thank yeah. you हेलो एवरीवन हेलो तो आज हमारे बीच हिंदी मीडियम टॉपर कृतिका मिश्रा हैं इनका रैंक 66 आया है कृतिका का मजेदार बात यह है कि जीएस में वन ऑफ़ द हाईएस्ट मार्क्स है 420 और एथिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है 126 था। था। इस बार के हिसाब से एस में भी वन ऑफ़ द हाईएस्ट है 132 तो आपको पूरा जर्नी के बारे में बताएंगी कैसे प्रिपरेशन उन्होंने किया जी आ, सर थैंक यू सर सर मेंटोरशिप में मेरे मेंटोर रहे थे और सर से बहुत बातचीत होती रहती थी सर ने आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट भी करवाया आप सब लोग आ, हिंदी माध्यम से ही तैयारी कर रहे हैं जी तो हम लोग ना आपस में बातचीत की तरह इसको लेंगे सेशन को और आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि है एजुकेशन भी सामान्य है साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है लेकिन आ, मेरी इस पूरी जर्नी में आ, क्या असाधारण रहा बचपन से ही मुझको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का अच्छा मौका मिला नेशनल जनपद राज्य सभी स्तरों पर और अभी तक मेरे पास लगभग 700 के लगभग सर्टिफिकेट्स प्राइजेज ये सब हैं तो ये जो एक्सपोज़र मिला मुझको बचपन से वही वो फैक्टर है जिसके कारण एक मध्यम वर्ग की बच्ची ने सोचा कि यूपीएससी जैसी परीक्षा दी जा सकती तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड का परिचय है अभी हम लोग हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में हिंदी माध्यम के साथ कैसे सफलता अर्जित की जाए ये आज की स्टॉक का कोर थीम रहेगा हिंदी माध्यम के साथ क्या है कि एक बात जो मुझे देखने को मिल रही है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है अभी अगर फेसबुक पर मेरे पास हंड्रेड मैसेजेस हैं तो उसमें सेवेंटी फाइव में ये क्वेश्चन है कि क्या हिंदी माध्यम से तैयारी की जा सकती है हिंदी माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है या नहीं की जा सकती और आई वॉज ऑन द सेम बोट कुछ दिन पहले तक जब तक मुझे सफलता नहीं मिली थी मेरे अंदर भी यही सारे प्रश्न घूमते रहते थे जब मेरी तैयारी हो रही थी उस समय 300 के अंदर हिंदी माध्यम की कोई रैंक नहीं थी और मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता था कि जनरल कैटेगरी में आई का पोस्ट पाना है तो क्या इंग्लिश की तरफ स्विच हो जाना चाहिए आ, मैंने एक दो बार सोचा भी कि इंग्लिश की तरफ स्विच हो लेते हैं लेकिन नहीं किया अच्छा हुआ क्योंकि इंग्लिश से आ जाती रैंक तो ये बात प्रूफ भी हो जाती कि हिंदी माध्यम से रैंक नहीं आएगी आपको इंग्लिश मीडियम ही लेना पड़ेगा यहाँ पर एक कहानी आप लोग सुनो थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो शिकार साहित्य होता है हिंदी साहित्य है या किसी का ऑप्शनल चलिए शिकार साहित्य में श्री राम शर्मा जी ने एक कहानी लिखी है वो कहानी है एक बारह साल के बच्चे की ये जो बच्चा है वो गांव में रहता है और गांव से उसका पूरा जो परिवार है संयुक्त परिवार है तो वहाँ उसके एक बड़े भैया हैं भाई साहब वो थोड़े सख्त हैं तो वो बच्चा वो अपने भाई साहब से बहुत डरता है एक दिन भाई साहब उसको ये आदेश देते हैं कि मेरी कुछ चिट्ठियाँ हैं जाओ पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आओ अब वो बच्चा अपने एक छोटे भाई को लेता है जो छः साल का है बारह साल का बच्चा और छः साल का बच्चा ये दोनों चल पड़ते हैं चिट्ठियों को पोस्ट करने के लिए और गांव से पोस्ट ऑफिस के बीच में एक जंगल जैसा क्षेत्र भी पड़ता है वो जंगल का सुनसान एरिया है वहाँ एक कुआं है और ये दोनों जब खेलते हुए जा रहे हैं तो वो चिट्ठियां उस कुएं में गिर जाती हैं धोखे से अब दोनों बहुत परेशान कि भाई साहब की डांट पड़ेगी तो बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि कुएं में उतरने का निर्णय लेते हैं अब जो छह साल का बच्चा है वो ऊपर से धोती कुर्ता सबको जोड़ करके उन्होंने बड़ी सी रस्सी बनाई और बारह साल का बच्चा कुएं में कूद गया अब आप ये देखिए कि जहां पर चिट्ठियां गिरी हुई थी उसके पास ही में एक काला नाग भी था तो उस बच्चे ने उस काले नाग के साथ लड़ाई लड़ी चिट्ठिया उठाई और फिर वो जो रस्सी उन्होंने बनाई थी उसके सहारे छह साल के बच्चे पर विश्वास करके ऊपर चढ़ाया और फिर जाकर चिट्ठियां पोस्ट कर दी तो श्री राम शर्मा जी की ये कहानी है ठीक है शिकार साहित्य है आपने आनंद लिया लेकिन आप में से कोई ये बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक 12 साल के बच्चे ने यह असंभव जैसा कार्य पूरा कर लिया ऐसी क्या उसकी मना थी? विश्वास, विश्वास, बिल्कुल, और... विश्वास।, 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 विश्वास, बिल्कुल सही देखिए सब आपने भी सही बताया विश्वास था एक उसके अंदर डर भी था अपने बड़े भाई का लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर वो ये था कि वो क्षेत्र पूरा सुनसान था जंगल था वहां दूर दूर तक कोई नहीं था जो उन बच्चों को यह बताता कि भाई ये तुमसे नहीं होगा जिस दिन आपने उन आवाजों को ब्लॉक कर दिया जो आपसे बार बार कहती हैं कि हिंदी माध्यम से आपका चयन नहीं होगा उस दिन आप देखना आप विजेता बन जाओगे आपकी पूरी तैयारी की दिशा ही बदल जाएगी तो ये कैसे करना है कि अपने चारों ओर आप कंसोल करके रखो ये निश्चित रखो कि वो आवाजें जो बार बार डिमोटिवेट करती हैं जो आपको इंफीरियोरिटी की तरफ ले जाती हैं उनसे कैसे बचना है और ये आवाजें सिर्फ बाहर से नहीं आती हैं अंदर से भी आती हैं हमको अंदर से भी लगता है कि यार क्या गुजराती माध्यम है मराठी माध्यम है हिंदी माध्यम नहीं होगा तो इससे बचना है जब खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो कहाँ से कौन आकर के आपको जिता देगा तो इस बात को ध्यान रखो ये मैंने भी ध्यान रखा और इस अटेम्प्ट में ज़्यादा ध्यान रखा पिछली बार तक मेरे पास बहुत सारी दुविधाएँ हुआ करती थीं लेकिन पिछली बार जब मेन्स क्लियर हो गया तो उसके बाद मुझे निश्चित हो गया कि हिंदी माध्यम से ही आएगी अच्छी रैंक आएगी आई एस पोस्ट भी मिलेगी और उस विश्वास के साथ ही ये एक साल की तैयारी हो पाई तो ये हमारी एक ओवरव्यू हो गया हिंदी माध्यम को लेकर के कि अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना है सकारात्मकता के साथ आशा के साथ तैयारी करनी है उसके बाद हिंदी माध्यम की कुछ समस्याएं तो हैं उन्हें हमें एड्रेस करना होगा उनसे कैसे निपटना है उसको देखना होगा समस्या जो सबसे बड़ी है वो पहली है सोर्सेस की थोड़ी कमी या सोर्सेस पता नहीं चल पाते हैं लेकिन पता नहीं चल पाते और दूसरी समस्या एक अच्छी स्ट्रेटेजी हिंदी माध्यम के पास वो भी पहुंच नहीं पाती स्ट्रैटेजी की जिसने महत्ता समझ ली वो आधी लड़ाई जीत गया क्योंकि रणनीति ही होती है जो आपको युद्ध क्षेत्र में तैयार करती है जैसे कहा जाता है ना कि ये कृष्ण त तो ततो जया जहाँ कृष्ण है वहां विजय है और कृष्ण यहाँ क्या सिंबल है कृष्ण सिंबल है यहाँ रणनीति का श्री कृष्ण सारथी हैं यहाँ आप आ गए हो आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा होगा मेंटॉस मिल रहे होंगे लेकिन अपने जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जो शायद के जरिए सुन रहे होंगे उनको वो नहीं मिल पाती तो खुद रणनीति को कैसे तैयार करना है रणनीति की महत्ता को समझना है जब युद्ध क्षेत्र में जाओ तो रणनीति तैयार करके जाओ क्योंकि अगर अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता होगा तो अभिमन्यु मारा जाएगा रणनीति तैयार करने के लिए हम लोग एक वार्षिक गोल लेकर के चलेंगे कि वार्षिक हमें कितना क्या कुछ कवर करना है फिर उसके बाद उसे हम मासिक टारगेट्स में तोड़ लेंगे मासिक के बाद एक वीकली टारगेट रखेंगे और फिर अपने डेली टारगेट्स जो हर दिन हमें पूरे करने होंगे ये रणनीति जब आप लेकर के चलेंगे और उनको सलामी स्लाइसिंग जिसको कहा जाता है छोटे छोटे हिस्सों में अपने पूरे टारगेट्स को तोड़ देंगे तो आपका वर्ष भर का एक अच्छा मैप बन जाएगा जिस पर चलते हुए आपको काम करना है तो देखो सबसे पहली बात रणनीति बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि यूपीएससी आपसे चाह क्या रहा है यूपीएससी यहाँ कोई एकेडमिक एग्जाम लेने नहीं बैठा है कि आपको पढ़ना है वो चाह रहे हैं ऑफिसर्स आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए और ऑफिसर की सबसे पहली क्वालिटी तो यही होती है कि उसके पास एक अच्छा विजन होता है उसके पास एक अच्छी रणनीति होती है किस रास्ते पे चलना है क्या समस्याएं आएंगी उनको कैसे टैकल कर जाना है ये सब कुछ एक ऑफिसर के अंदर होता है वो ऑफिसर मेटल अपने अंदर इनकलकेट करना है ऑफिसर मेटल कैसे आएगा तो आपको ये देखना होगा कि एक ऑफिसर फील्ड पे क्या कर रहा है अपने समय का प्रबंधन कर रहा है उसके पास सौ फाइल्स हैं उनको वो शॉर्ट आउट कर रहा है उसमें नोटिंग कर रहा है ये सब कुछ ना अभी से हमें अपने अंदर लाना होगा अभी आपको तैयारी में भी वही सब करना है जो एज एन ऑफिसर आप फील्ड पे करोगे तो ये कोशिश करो कि वो ऑफिसर मेटल आपके अंदर आ जाए अभी जैसे क्या हुआ है कि जब से रिजल्ट आया है सब लोग बस यही पूछ रहे हैं आप अपनी जर्नी बता दो जर्नी क्या बता दो कुछ उनको मिल जाएगा कुछ आपने बोल दिया फिर शॉर्ट्स कटेंगे रील्स बनेंगी मसाला न्यूज़ के लिए सब ठीक है लेकिन जर्नी या आपकी पर्सनल मेंटल स्टेट क्या है किसी को कुछ नहीं पड़ी है किसी को कुछ लेना देना नहीं है ऑन फील्ड आप जाओगे काम करोगे किसी को क्या करना कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आपने कितनी समस्याएं झेली हैं इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें चाहिए आउटपुट आपके अंडर जो भी काम करेंगे ऑफिसर्स प्रशासन जनता सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी और उन एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा करोगे आउटपुट दोगे बस वही मायने रखता है बाकी कुछ भी नहीं और आप जब ये अपनी रणनीति बनाओगे आप तैयारी करोगे वर्ष भर तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे एक साल बहुत लंबा कालखंड होता है परिवार की तरफ से और तरह तरह के इमोशनल इश्यूज, तरह तरह के आएंगे लेकिन जब आप उनको दरकिनार करते हुए डेली अपने टारगेट्स को पूरा करते हो जब डेली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहते हो तब आपको सफलता मिलती है तो अभी भी ये बात ध्यान रखो कि किसी को कुछ नहीं पड़ी है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपना टारगेट सेट करना है उसको पूरा करना है तो रणनीति की हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले आ, देखो सबसे पहले जो प्रिलिम्स के एक ठीक साल पहले तीन महीने होते हैं वहां पर अगर आप अपना ऑप्शनल पूरा करने की कोशिश करो ऑप्शनल पूरा हो जाए साथ में न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़ने लग जाओ शुरुआत में लोगों को दो दो घंटे लगते हैं आपको उसको 45 मिनट्स तक लेके आना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो 45 मिनट्स हो जाए तीन महीने आप थोड़ा अभ्यास कर लोगे तो ये हो जाएगा और अगला एन सी बेसिक बुक्स या फिर अगर आप क्लास नोट्स कर रहे हो तो क्लास नोट्स वो हो जाए तो तीन महीने अगर आप जून जुलाई अगस्त में इतना कर लेते हो तो आपका अच्छा पेस बन जाएगा एक शुरुआत फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी उसके बाद के जो चार महीने हैं उसमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जीएस स्पेसिफिक नोट्स मेकिंग का काम पूरा हो जाए नोट्स मेकिंग कैसे करनी है किन स्टेप्स में करनी है उस पर अभी हम लोग बात करेंगे उसके बाद फरवरी के आसपास हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरी लग करके तैयारी करनी है सी सेट को पकड़ना है और अभी तक जो कुछ भी पढ़ा था वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था तो ये कोशिश करनी है कि अब वही सब कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना है मॉक टेस्ट देने हैं तो ये पूरे साल भर की एक रणनीति हुई अब उसके बाद उसको आप मंथली में तोड़ो डेली में वीकली में रिव्यू करते जाओ एक अच्छी रणनीति वो होती है जो फ्लेक्सिबल होती है इसलिए ये कोशिश करो कि आप अगर कहीं पर पीछे छूट रहे हो कहीं लग रहा है कि रणनीति कमजोर पड़ रही है तुरंत चेंज करो ट्रैक चेंज करो मेरे साथ ये हुआ कोई बुक पढ़ी उससे ऐसा लगा कि मॉक नहीं बन रहा है या फिर पीवाई वाई क्यूज नहीं कवरअप हो पा रहे तो तुरंत उस मटेरियल को छोड़ा और नेक्स्ट की तरफ स्विच किया टाइम वेस्ट होगा बात सही है लेकिन आप वही ओल्ड को पकड़े रहोगे तो वो लॉन्ग रन में फिर आपको आगे दिक्कत करेगा इसलिए जहाँ भी लग रहा है मटेरियल है राइटिंग के तरीके हैं मॉक हल करने का तरीका है टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका है कोई भी चीज़ जहाँ आपको लग रहा है ये कमज़ोर है उसको तुरंत चेंज करना है और अपनी रणनीति को स्ट्रीम रखना है दूसरी बात एक आती है कि अंग्रेजी माध्यम के सापेक्ष हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं क्या करें कि उन्हें एक बढ़त मिल सके तो ये कोशिश करो कि आप अपनी रणनीति में इस पॉइंट को भी ऐड कर लो कि अंग्रेजी माध्यम के जितने भी टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ हैं उनके सोर्सेज हैं उस तरफ भी थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो समस्या होगी अगर अंग्रेजी माध्यम में मान लो कोई अच्छा सोर्स आया है और आप उसको रेफ़र कर सकते हो तो प्लीज़ वहाँ पीछे मत हटो उसको रेफ़र करो हालांकि करंट अफेयर्स का जैसे विजन का पी टी थ्री सिक्सटी और मंथली मैगजीन्स वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं उसमें तो कोई कहीं हिंदी और अंग्रेजी के बीच में भेदभाव नहीं है लेकिन अन्य जो स्ट्रेटजीज हैं आंसर कॉपीज़ हैं उनको आप अंग्रेज़ी माध्यम से भी देखो और अपनी तैयारी को उनके सापेक्ष बराबर पर लाने की कोशिश करते रहो तो ये हमारी स्ट्रेटजी मेकिंग तकनीक हो गई जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ युद्ध क्षेत्र पर जाइए और ये कोशिश करिए कि आप हमेशा फाइट में बने रहें जितना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप युद्ध क्षेत्र में उतरें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे कुछ हो जाए उस युद्ध क्षेत्र में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहें होगा नहीं ये बात सबको पता है बड़े से बड़े टॉपर्स भी बताते हैं कि टारगेट सेट किया एट्टी परसेंट पूरा हो पाया पूरा नहीं हो पाता है लेकिन उसकी वजह से डिमोटिवेट होकर के कहीं बैठ नहीं जाना है आपको लगातार ये कोशिश करती रहनी है कि कुछ भी हो जाए कैसी भी स्थिति आ जाए आप लगातार फाइट देंगे और जब आप ये मेंटल स्टेट पे आ जाते हो कि जो होगा देखा जाएगा हमें तो बस करना है तो उस समय चीज़ें आसान होने लगती हैं ईयरली हो गया मंथली हो गया डेली शेड्यूल क्या रहता था ये बहुत प्रश्न आता है तो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि 11 बजे के लगभग मेरी फर्स्ट सिटिंग शुरू हो जाए मेरा ये प्रयास होता था तो 11 बजे से लेकर के और लंच तक अगर दो बजे लंच लेना है तो 11 से 2 एक सिटिंग फिर उसके बाद लगभग 3-4 बजे दोबारा बैठना और 7 बजे तक बैठना फिर सात बजे से थोड़ा ब्रेक ले करके डिनर वगैरह करके आठ नौ बजे तक बैठ जाना और फिर मेरा जो रियल स्टडी है वो शुरू होती थी आठ बजे रात को और जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाना है तब तक बैठे रहना है करते रहना है तो वो बच जाता था तीन चार कई बार पाँच लेकिन मेरी ये कोशिश रहती थी कि अगर टारगेट सेट किया है तो उसको पूरा करना है अगर पूरा नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे फिर कैचअप नहीं कर पाओगे अपने शेड्यूल को इसलिए कोशिश करो 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट तो करना ही है 100 परसेंट हो जाए तो अच्छी बात है और ये 80 परसेंट डेली होता रहेगा तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी होती रहेगी ये मत सोचो कि 100 परसेंट नहीं हो पा रहा है जितना भी हो रहा है अगर डेली हो रहा है कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है तो फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो ये हमारी एक रणनीति आपको वर्ष भर क्या क्या फॉलो करना है क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उस पर है एक और चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि आप टॉपर से वो भी सुन लो जो आपको नहीं करना है क्योंकि क्या करना है ये तो सब आकर के बताएंगे लेकिन मेरी तरफ से क्या गलती हुई जो आपको नहीं फॉलो करनी है वो भी सुन लो उसमें सबसे पहला ये है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं रखना है बहुत कंसाइज मटेरियल होगा तभी आप इस यहाँ फाइट में रह पाओगे रिवीजन बार बार करना है और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने मटेरियल को डाइल्यूट करते जाना है ये मैंने इस वाले अटम्प्ट में स्पेशली फॉलो किया डाइल्यूशन अगर आपने हंड्रेड पेजेस पढ़े हैं तो नेक्स्ट रिवीजन में कोशिश करो कि आप उसको टेन पेजेस में ले आओ फिर टेन पेज हाफ़ पेज भी हो जाएगा लास्ट में क्योंकि जब आपसे कहा जाता है कि एक किताब आपको दस बार रिवाइज़ करनी है तो वो किताब पूरी ले करके बैठ के आप पढ़ने बैठोगे तो साल भर आपने पता लगा तीन किताबें चार किताबें करीब बस हो गया लेकिन ये जो टेन टाइम्स रिवीजन है ना यह आपको उस मोटी सी किताब का शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है जैसे कि लक्ष्मीकांत लोग कहते हैं कि भाई उसका क्या शॉर्ट नोट बनेगा लेकिन उसको तीन बार पढ़ लिया चार बार पढ़ लिया अब क्या है कि एग्ज़ाम से पहले वो जो रिवाइज करना है उसको लक्ष्मीकांत को लास्ट में वो आपके खुद के नोट्स होने चाहिए और मेरा मेंस के पहले ऐसा बन गया था कि तीन चार पेजेस के बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग वो मैंने तैयार कर लिए थे माइंड मैप जैसे कि बस तीन घंटे में पूरा आपका लक्ष्मीकांत का रिविज़न हो जाए ऐसा तो ये डाइल्यूशन आप भी अब फॉलो कर सकते हो और ये सिर्फ बुक्स को लेकर के नहीं है करंट अफेयर्स में भी आप नोट्स बना रहे हो मेंस के जो नोट्स बना रहे हो उन सभी को डाइल्यूट करने की कोशिश करो कंसाइज करो हैंडी मटेरियल तैयार करो क्योंकि जब आप मेंस देने जाओगे तो आपको सुबह शिफ्ट में लिखना है फिर शाम को लिखना है फिर नेक्स्ट डे फिर लिखना है हाथ की उंगलियां सूज जाती हैं इतना लिखना है उसके बाद फिर आप मैंने देखा मेंस के टाइम कुछ लोग पूरे बैग्स भर भर के सारी किताबें लेके आए थे सेंटर पर अब वहाँ क्या एक घंटे में खोल के देख लोगे है ना तो उस समय आपके पास आपके हाथ में अपनी वो कहते हैं ना गुटिका होनी चाहिए छोटा सा बिल्कुल उसको पढ़ करके जाओ और आपके उत्तर बिल्कुल मज़ेदार हो जाएं बेहतरीन हो जाएं तो वो चीज़ तैयार तब होगी जब बार बार रिवाइज़ करके आप डाइल्यूट करते करते लास्ट में उस स्थिति तक पहुँच पाओगे तो अब हम लोग ये बात ओवरऑल हो गई आज का सेशन ऐसा रखेंगे कि ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो जाए उनके लिए जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है और वो अपनी तैयारी किस तरह से की जाए वो जानना चाहते हैं तो इस सेशन को इस तरह से रखने के लिए सबसे पहले हम लोग ना बुक लिस्ट पे बात करेंगे पीपीटी चलिए जब तक नहीं आ रहा है तो बुक सोर्स हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं वो एक, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है तो एक स्लाइड है उससे आप लोग आसानी से देख भी लोगे यूट्यूब पे भी पहुंच जाएगी आ, अभी हम लोग प्रिलिम्स से शुरू करते हैं ठीक है प्रिलिम्स में आ, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए तैयारी का तो सिक्सटी डेज बहुत है अगर आपने साल भर ईमानदारी से तैयारी की है बुक्स को कवर किया है नोट्स मेकिंग की है तो लास्ट में सिक्सटी डेज में प्रिलिम्स का अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा Prelims को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि साल भर एक घंटा आप न्यूज़ पेपर को दो और जब आप न्यूज़ पेपर पढ़ोगे तो उसमें प्रिलिम्स ओरिएंटेड रीडिंग कैसे करनी है उसको अपनी हैबिट में लाओ आपको कोई अगर प्लेस दिखता है न्यूज़ पेपर पढ़ते समय तो उस प्लेस को हाईलाइट करके एक जगह डायरी पे लिख लो क्योंकि प्लेसेस आपको न्यूज़ से मिलेंगे जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पेज होता है उससे प्लेसेस को छांटते जाओ फिर जब आपने मान लो हफ्ते भर में पांच प्लेसेस आपको नए मिले तो उनको एक बार मैप पे देख लिया तो इससे क्या होगा कि साल भर लगातार आपका ये वाला जो सेगमेंट है ये कवर होता चला जाएगा इसी तरह से न्यूज़पेपर में कुछ और चीज़ें हैं जैसे अभी एलिफेंट वाला एक करेंट अफेयर्स में आ गया था मुद्दा क्रैकर्स वाला जब इस तरह की घटनाएं देखो तो आप उस पॉइंट को अलग निकाल जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि 1995 या 1996 में एलिफेंट का एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि एलिफ़ेंट का आयू क्या है इस तरह का कुछ था तो हुआ ये कि जब मैंने ये देखा कि क्रैकर्स वाला ये मुद्दा करंट अफेयर्स में आ गया है तो मुझको तुरंत लगा कि जब आ चुका है तो हो सकता है कि ये फिर से आए तो मैंने वो एलिफेंट वाला अलग निकाल करके लिख लिया और गूगल से थोड़ा आयू उसका लाइफ टाइम ये सब कुछ देख लिया जिस्टेशन पीरियड मान लो नहीं भी देखा लेकिन एक थोड़ा बहुत सर्च कर लिया इसी तरह से आप जब पी देखते हो वहाँ से अगर कुछ करेंट अफेयर्स में नया जुड़ रहा है जो आपको न्यूज़पेपर में दिख रहा है तो बस नोट ही कर लो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाता है जब आपने प्रिलियम्स में देखा कि हाँ भाई ये तो मेरी डायरी से क्वेश्चन आ गया है तो दो तीन आगे के अपने आप सही हो जाते हैं क्वेश्चन कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जब आप डेली ये प्रैक्टिस अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ करते रहोगे वो डायरी ज़्यादा भरेगी भी नहीं डेली दे मुश्किल से तीन से चार लाइंस लिखी पूरे पेपर से तीन से चार लाइन्स निकलती थी तो इस तरह से जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे और सिर्फ प्रिलिम्स नहीं न्यूज़पेपर रीडिंग में मान लो कोई ऐसा कैची सेंटेंस मिल गया जो मेन्स में यूज हो सकता है तो वो भी आप नोट कर लो जैसे एक एडिटोरियल एनालिसिस में मिला कि महिला सशक्तिकरण की यात्रा कन्नगी से जयललिता तक की यात्रा है तो थोड़ा अच्छा लगा उसको लिख लिया तो अब ये सोसाइटी उसमें भी यूज़ हो जाएगा निबंध में यूज़ हो जाएगा जहाँ भी चाहोगे अच्छा रहेगा तो ये एक डायरी न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो तो साथ में खोल के रखनी है और नोट करते चलो कुछ नहीं मिलेगा तो कॉन्फिडेंस मिलेगा तो न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ना है बाकी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि रिलिम्स का पेपर ज़्यादातर अब आप देखो आपके क्यूरियस नेचर और आपकी अवेयरनेस का टेस्ट है विजडम का टेस्ट है वहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि आप रट के कितना जा रहे हो आप डेली अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो अपनी विजडम बढ़ाते जा रहे हो स्मार्टनेस बढ़ाते जा रहे हो वही चीज़ प्रिलिम्स में टेस्ट हो रही है देखो प्रिलिम्स एक कोर थीम समझने की कोशिश करो प्रिलिम्स के जरिए यूपीएससी आपसे आप में क्या चाह रही है टेस्ट करना वो टेस्टिंग है आपकी कि आप बिटवीन द लाइंस बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं आप इतने स्मार्ट हो या नहीं कि आप कॉम्प्रीह कर पा रहे हो रीजनिंग लगा पा रहे हो जैसे आप मान लो जिले में काम कर रहे हो दो लोग आपके पास आए उन्होंने अपनी कोई दुनिया भर की बातें आपको सुनाई आपने उनकी बात सुनी नहीं सुनी वो ठीक है आप उनके हाव भाव देख ही समझ गए कि भाई सच्चाई क्या है बात समझ रहे हो उन्होंने शब्दों में क्या बोला वो एक बात है लेकिन बिटवीन द लाइंस आप पढ़ करके अपनी स्मार्टनेस से कॉमन सेंस से पूरी बात को समझ गए तो ये चीज कब आएगी आपके अंदर जब आप लगातार अवेयर रहोगे लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे और बिटवीन द लाइंस चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहोगे अब जैसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें दिया गया था कि वो योगिनी टेम्पल वाला कि वो सिर्फ भारत में एक ही है सिर्फ एक मंदिर है तो जब इस तरह का क्वेश्चन सामने आता है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और ये समझने की कोशिश करो कि क्या ऐसा सच में हो सकता है यह आपका कॉमन सेंस खुद ही आपको बताएगा वो कहीं से भी जी का क्वेश्चन था ही नहीं वो रीजनिंग का क्वेश्चन था सी सेट का क्वेश्चन था तो ये स्मार्टनेस और कॉमन सेंस आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय बहुत कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपकी स्मार्टनेस को इनहेंस करता जाएगा आपको आसपास की चीज़ें समझ में आने लगेंगी कौन सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में करना है कौन सा छोड़ना है ये विवेक भी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अपने आप आने लगता है तो न्यूज़ पेपर को हमें नहीं छोड़ना है दूसरी चीज़ जो प्रलिम्स में ज़रूरी है वो रिवर्स इंजीनियरिंग है क्या हो रहा है कि यू रिपीटेड थीम्स लगातार पूछ रही है रिपीटेड थीम्स में क्या होता है जैसे अभी हिस्ट्री लो हिस्ट्री में बुद्धिज्म हो गया गांधी मूवमेंट हो गया पीजेंट मूवमेंट हो गया ये सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं तो ये थीम्स आपको कब पकड़ में आएंगी जब आप पुराने प्रश्नों को पुराने वर्षों के सारे प्रश्नों को अच्छे से एनालाइज करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालाइज़ करेंगे आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले आप ये करो कि पंद्रह सालों के पुराने पीवाई क्यूज हिस्ट्री के निकाल लो और एक थीम समझने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं इसी तरह से पॉलिटी में अगर देखो संसद हो गया प्रियम्बल हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गए डी हो गए ये कोर थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं हर साल रिपीट हो रही हैं जब आप ये समझ लोगे कि ये रिपीटिशन हो रहा है इसके आधार पे तैयारी करनी है तो अभी हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग पे बात कर रहे थे कि थीम्स हम लोगों को पकड़नी है और उन थीम्स पर अपनी अच्छी तैयारी करनी है पी जब देखोगे तो इकोनॉमिक्स में जैसे इन्फ्लेशन हो गया फिजिकल पॉलिसी हो गया मॉनिटरी पॉलिसी हो गया ये सारे थीम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि जब पी वाई क्यूज एनालाइज करो तो इन सब्जेक्ट्स को एक जगह लिख लो और उनकी बहुत अच्छी और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयारी करो साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि पी वाई क्यू का एक स्टेटमेंट है जो ऑप्शन में आ गया है और वही स्टेटमेंट आगे वाले सालों में मेन क्वेश्चन बनकर आ जाता है जैसे 2013 में एक स्टेटमेंट था कि जो वायरस है वो आर्टिफिशियल मीडियम में, में, में कल्टिवेट uh, हो सकता है या नहीं हो सकता है कल्चर हो सकता है या नहीं हो सकता है और वो 2021 में अभी जब प्रीलिम्स दिया था उसमें यही क्वेश्चन फिर से आ गया रिपीटेड तो जब पी वाई क्यूज़ करने हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है उसके हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है ध्यान से समझना है हर ऑप्शन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करनी है और वो जो आपके नोट्स बनेंगे चाहे तो अलग से बना लो या फिर जहां पी वाई क्यूज़ आपने प्रिंट आउट निकाला है उसी में किनारे लिखते जाओ और सिर्फ यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की पी वाई क्यूज़ नहीं आपको और भी सी ए पी एफ़ का मिल रहा है एन डी ए का मिल रहा है अगर तो वो सारे आप अपने सिलेबस से जोड़ करके जितना अपना सिलेबस कवर करता है थोड़ा देख लो तीन चार साल का और वही रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बारे में अच्छी जानकारियाँ इकट्ठा करते चले जाओ ये आप देखोगे कि आपको पंद्रह से बीस क्वेश्चन का एज दिलाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कई बार पाँच है क्वेश्चन इसके ज़रिए आपके अलग से सही हो जाएंगे आ, अगर मान लो कि कोई टर्म आया है स्वैम्प डियर आया है कान्हा नेशनल पार्क आया है तो बस उसको तैयार करना है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट ईयर उसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा एलिफेंट का कभी क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स में अलग से आ गया है तो भाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि अब आपको एलिफेंट के बारे में अच्छी जानकारी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए तो ये एक दो स्टेप की तैयारी हो गई प्रिलिम्स की थर्ड स्टेप में है रिवीजन स्टैंडर्ड बुक्स का रिवीजन जितना ज़्यादा कर ले जाओगे आपके मार्किंग प्रिलिम्स में उतनी बढ़ जाएगी कई लोग एनसीईआरटी छूते ही नहीं है भैया ऐसा मत करो क्योंकि एनसीआरटी से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में में आपने में अगर देखा कहीं वराह की मूर्ति बनी हुई है कहीं कोई वो सारे एक एक फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में भी यही है एनसीआरटी बार बार पढ़ना है बार बार समझने की कोशिश करनी है तो एनसीआरटी को कोर थीम पकड़ो बाकी स्टैंडर्ड बुक्स को पकड़ो और दुनिया भर के इधर उधर के मटेरियल के पीछे मत भागो इनको जितनी ज़्यादा बार रिवाइज़ आप कर ले जाओगे प्रीलिम्स उतना सही हो जाएगा आपका स्कोर बढ़ जाएगा आ, साथ में मॉक टेस्ट प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो कैसे करना है उसको भी समझो पहले आपने मान लो एक सेक्शनल टेस्ट पकड़ा उसको आपने पूरा सॉल्व किया जब आपका कोर्स कवर हो चुका है आपने पढ़ लिए सारे टॉपिक्स करने के बाद आपने उसको चेक किया एनालाइज किया कि आपने कहाँ कहाँ गेस किया था और वो गलत हो गया है या कहाँ आपने लग रहा था आपको ये तो बिल्कुल पक्का आता है और फिर भी गलत हो गया कहीं कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में लिखा है नहीं और आपने जो टिक किया वो हाँ वाली चीज़ें कर दी तो इस तरह की गलतियाँ आपको पकड़ में आएंगी जब आप मॉक दोगे वो एनालिसिस आपको एक जगह डायरी में लिख भी लेना है कि ये गलती हो रही है आगे से नहीं होनी है और ये सब कुछ करने के बाद ये मॉक टेस्ट का रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है वो भी समझो क्योंकि मेरे साथ ये था कि मॉक टेस्ट तो कर लिया लेकिन मॉक टेस्ट का जब सोल्यूशन uh, देखा तो वहाँ बहुत सारे नए नए पॉइंट्स मिल गए वो पॉइंट्स आप चाहो तो अपने मेन नोट्स में जाकर के अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐड कर लो नहीं तो वहीं पे हाईलाइट कर लो और दो से तीन रिवीजन तो मॉक टेस्ट के बनते हैं प्रीलिम्स से पहले और उतना कर लोगे तो आप खुद में देखोगे कि प्रीलिम्स का बहुत सारा सेगमेंट जो बुक्स से नहीं कवर हो पाया था या फिर आपने बुक पढ़ी है आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है वो मॉक में क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया वहां से वो नॉलेज मिल गई तो उसको आपको गेन करना है रिवाइज करना है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस तरह से हमें मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज अगर ट्वेंटी टेस्ट लगा रहे हो तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप इन तीन स्टेप्स को ध्यान में रखोगे तो ये हमारी प्रिलिम्स की रणनीति हो गई अब हम लोग मेन्स की तरफ आते हैं और पूरा गेम देखो मेंस का ही है प्रीलिम्स तो बस इतना है कि कई लोग सोचते हैं कि 190 मार्क्स 185 मार्क्स ला करके हिस्ट्री बना दी जाए प्रीलिम्स में लेकिन ये मूर्खता है आपको क्या करना है आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना है जब आप 180 175 के सपने देखते हो तो फिर वास्तव में क्या होता है सिक्सटी सिक्सटी आपको कोशिश ये करनी है कि बहुत स्ट्रेटजिकली अपनी स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है जहां आपको सफलता मिल जाए आपको यहां पीएचडी नहीं करनी है सालों साल बैठकर कर पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है यहां पर आपको जीत करके इस चक्र से बाहर निकल जाना है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लगातार अपनी स्ट्रैटेजी को जो कट ऑफ मार्क है उसके पार ले जाने की तैयारी करते रहो एक सी सेट का भी प्रश्न उठता है तो सी सेट में इम्पॉर्टेंट ये है ये गलतियाँ कई लोगों से होती हैं आप मत करना सी सेट के तीन सेगमेंट्स हैं रीजनिंग मैथमेटिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करके जाना कभी भी ये मत सोचना कि कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देंगे केवल मैथ्स से हो जाएगा या रीजनिंग से हो जाएगा तीनों सेगमेंट्स अच्छे से कवर करके जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्रिहेंशन इतना लेंदी आ गया कि उसको पढ़ने में ही समझ आ रहा है तो आप मैथ्स कर लो रीजनिंग कर लो वहाँ भी आपको बस एक लिमिट है वहाँ तक करना है इसमें एक और ट्रिक है आ, कोशिश करो कि फ़ोर मतलब जैसे आप फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स इस तरह से क्वेश्चन करो जो फ़ोर के मल्टीपल में हो क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स लगाओगे और आपको जितने मार्क्स लाने हैं उस हिसाब से देखोगे तो अगर आपने फिफ्टी थ्री क्वेश्चन किए और बाकी फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स तीन छोड़ दिए तो भी आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितने फिफ्टी सिक्स करने पर आएंगे भले ही तीनों गलत हो गए हों बात समझ रहे हो जब चार आपने मान लो गैस मारे उसमें से तीन अगर सही हो गए तीन गलत हो गए और एक अगर सही हो गया तो मार्किंग वो जीरो हो जाएगी सब मिल करके तो इसलिए हमेशा फोर के मल्टीपल में सी सेट करना है अगर फिफ्टी थ्री हो गया है तो आप फिफ्टी सिक्स फिर आगे करो अगर गलत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्क उतने ही आएंगे सही हो गया तो अच्छी बात है आप आगे बढ़ जाओगे बाकी ऑन द स्पॉट वहाँ एग्ज़ाम हॉल में प्रिलिम्स कैसे सॉल्व करना है ये भी एक स्ट्रैटेजी है उसको भी चाहो तो आप देख सकते हो कि आप सबसे पहले जब पहली बार रीडिंग कर रहे हो पूरे पेपर की तो उसमें ये देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हंड्रेड परसेंट आपको आ रहे हैं उनको आपको टिक कर लेना है उनको सॉल्व कर लेना है और अपना मन बना लेना है कि हाँ यही वाला ऑप्शन सही है इसी को ओ एम पे भरना है उसके बाद सेकेंड वो क्वेश्चन आएंगे जो आपको लग रहा है कि कुछ स्मार्ट ट्रिक इसमें लग सकती है कोई स्मार्टनेस के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है तो वो वाले जो क्वेश्चन हैं उनको एक लाइन पे एक जगह लिख लो वहां पर आप गोला बनाओ और तरह तरह के साइंस बनाओ ये सब करने से अच्छा है कि उसके नंबर एक जगह लिख लो और थर्ड वो होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं आपको समझ भी नहीं आ रहा है कैसे होगा कोई ट्रिक नहीं लग रही है तो थर्ड की अलग लाइन बना लो उनको भी नंबर वाइज लिख लो जैसे पंद्रवा है पंद्रवा आपको लग रहा है कि स्मार्ट गेस्ट से हो जाएगा तो पंद्रवा ऊपर लिख लो सोलवा है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सोलवा नीचे लिख लो तो आपकी ये दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन छट जाएंगे वहां पर कोई क्वेश्चन uh, पेपर में कई लोग गोला वगैरह बनाते हैं वो काम मत करो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एक जगह लिख लोगे तो सही रहेगा अब पूरा पेपर तीन चरणों में बट गया पहला तो जो आपने सॉल्व कर दिए दूसरा वो जिसमें आपको स्मार्ट गेस मारना है और तीसरा वो जहाँ पर कुछ भी नहीं करना है उसको छोड़ देना है सेकेंड चरण में अब आप स्मार्ट गेस वाले क्वेश्चन को पकड़ो और सॉल्व कर डालो और जो थर्ड है उसको पूरा छोड़ दो उसमें पंद्रह हो सकते हैं बीस हो सकते हैं uh, कैसा पेपर आया है वो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में समझना पड़ेगा जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी एक आदत ये हो जाती है बात समझ में आने लगती है कि प्रिसीशन मेरा कितना है कितने क्वेश्चन करने पर कितना सही जाएगा और उस हिसाब से फिर आप वहां पर सही निर्णय ले पाते हो सी सेट में भी यही करना है ऑन द स्पॉट समझना है कि डिमांड क्या है कॉम्प्रीहेंशन हो रहा है मैथमेटिक्स हो रहा है कौन सा सेगमेंट अच्छे से हो रहा है और क्योंकि समय बहुत कम होता है तो प्रैक्टिस अगर आप पहले से नहीं करके जाओगे तो वहां फंस जाओगे इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ एक बात और ध्यान रखो मॉक टेस्ट जब भी देना है टाइम लिमिट के अंदर देना है कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि पाँच घंटे में आपने सौ क्वेश्चन किए ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा ना तो आपका एनालिसिस फ्रूटफुल रहेगा ना ही आपको कुछ बात समझ में आएगी कि स्ट्रेटजिकली हल करना कैसे है वास्तव में एग्जामिनेशन हॉल में इसलिए कोशिश करो कि जब भी आप मॉक दे रहे हो टाइम लिमिट के अंदर दो यही मेंस में भी है मेरे जितने भी मॉक लिखे गए वो सारे टाइम लिमिट के अंदर थे जैसे अभी विजन में दो कॉपीज पड़ी हैं तो वो मेरी टाइम लिमिट के अंदर तीन घंटे में ही लिखी हुई हैं तो ये हमेशा अपनी बात ध्यान रखो ये बात अलग है कई लोग उसमें ये बोल रहे हैं कि इतना अच्छा कैसे लिख गया तीन घंटे में इतना अच्छा इसलिए लिख गया क्योंकि वो नोट्स मेरे पास पहले से थे मेरी हैंड राइटिंग में लिखे हुए तो एक मसल मेमोरी भी हो जाती है कि जो चीज़ें आप पहले लिख चुके हैं उसको किस तरह से टाइम फ्रेम के अंदर जल्दी जल्दी लिख देना है इस पर अभी हम लोग बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग करनी कैसे है सोर्सेज uh, आ गए हैं तो प्रिलिम्स की हमारी स्ट्रेटेजी हो गई प्रिलिम्स पे किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो ठीक है अब हम लोग नोट्स सोर्सेस पे आते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं सबसे पहले जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है तो इसमें बिपिन चंद्र सर की एन साथ में स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम आप पूरा अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी पीवाई क्यूज एनालिसिस से आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है कवर करना है तो ये दो सोर्सेज हो गए मिडेवल में देखो जो सतीश चंद्रा सर की एन है उसके कुछ आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर्स हैं वो केवल कर लो हो जाएगा बाकी इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आ रहा है और वो भी कई बार ऐसा आता है जो किसी से नहीं होगा तो वो छोड़ने वाला ट्रैप होता है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ाता है तो यहाँ इतना समय देना बहुत है एंशियंट में आर एस शर्मा सर की है और उसके बाद इन सब के बाद जो न्यू एनसीआरटीज हैं उनको भी आप एक बार पलट सकते हो तो पलट लेना उसके फिगर्स अच्छे से देख लेना क्योंकि जहाँ फिगर होती है उससे प्रिलियम्स में क्वेश्चन पता नहीं क्यों बहुत आते हैं तो जहाँ भी आपको फिगर दिखे उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना कि एनालिसिस उसका कर देना कि वो फिगर कहाँ से ली गई है उसके बारे में गूगल में भी थोड़ा पढ़ सको तो देख लेना वो तो खेल खेल की चीज़ हो जाती है तो ये हमारा हिस्ट्री का हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री में अर्जुन देव सर की एन है वो पढ़ी थी लेकिन दोबारा नहीं पढ़नी है वो बस एक बार आपने चैप्टर पढ़ा उसका क्रक्स एक जगह लिख लिया एक क्वेश्चन आना है मेंस में और वो उस क्रक्स से हो जाएगा इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है आप पहली बार अगर ले करके बैठे हो तो प्लीज़ उसके शॉर्ट नोट्स कम्प्लीट कर लो और फिर आपको प्रिलियम्स और मेन्स के बीच में वही शॉर्ट नोट्स एक बार देख लेने दोबारा आपको बार बार एन नहीं पढ़नी है वाली आ, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंह हानिया सर की बुक है बाकी पीटी 365 रहती है तो वो भी आप कोशिश करो कि अच्छे से कवर करो अगर क्लास ले रहे हो तो अच्छी बात है नहीं तो जो बुकलेट है उससे कर लो तो आर्ट एंड कल्चर वहाँ से हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर जब आप एन सी आर टीज पढ़ोगे ना तो आर्ट एंड कल्चर को माइंड में रखना हमेशा क्योंकि एन सी आर टीज में आर्ट एंड कल्चर के स्पेसिफिक चैप्टर्स दिए हुए हैं तो वो पहले भी आपका काफ़ी कुछ कवर हो चुका होगा नितिन सिंघानिया पूरी नहीं पढ़नी है जब पी वाई क्यूज देखोगे मेन्स के और प्रिलिम्स के तो आपको समझ में आएगा कि नितिन सिंघानिया सर की बुक में भी बहुत स्पेसिफिक चैप्टर्स ही हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में सिक्सथ से ट्वेल्थ तक की एन सी टी इम्पॉर्टेंट है अलेवेंथ और ट्वेल्थ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलेवेंथ ट्वेल्थ की एन मेरे साथ ये था अलेवेंथ की स्पेशली वो बार बार पढ़ी और सीधे एन पढ़ी उसके नोट्स नहीं बनाए उसमें जो फिगर्स हैं उनको बार बार देखा और इसमें यह था कि एक बार आप पेंसिल ले लो पेंसिल से पूरी पढ़ डालो फिर अगली बार हाइलाइटर ले लो उससे पढ़ डालो एक बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ डालो तो बार बार पढ़ाता एनसीआरटी ही कोर है इसमें और कुछ नहीं आपको करना है एटलेस तो सबके पास रहती है लोकेशन uh, फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मृणाल सर का अच्छा उनके ब्लॉक पे पड़ा हुआ है उसको देख लो और पी टी में एनवायरमेंट में ज्योग्राफी का एक सेगमेंट स्पेशली रहता है जी जी रीजनल ज्योग्राफी देखो एनसीआरटी से सब कवर हो जाएगा बाकी मृणाल सर ने वो आप पूछ रहे हैं ना रीजन वाइज कहाँ पर क्या जी प्रादेशिक जी, जी प्रादेशिक 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 भूगोल भूगोल क्या रीजनल। नहीं बात ये है कि वो मृणाल सर के ही जो आप पूछ रहे हो ना कि कहाँ पर कौन सी खदानें मिलती ये सब आप कहना चाह रहे हो आप प्रादेशिक से क्या कहना चाह रहे हो थोड़ा अंदर का बताओ रीजनल ज्योग्राफी okay. मैंने सिलेबस हाँ, में वो एनसीईआरटी से हो जाएगा जी जी वो कोई बात नहीं इलेवेंथ क्लास के जो हाँ एनसीईआरटी इलेवेंथ क्लास की भारतीय भूगोल नाम से है वो सब कुछ कवर करेगी नहीं भूगोल एक विषय के रूप में जो चैप्टर नंबर वन है इलेवेंथ क्लास के हाँ उसमें प्रादेशिक भूगोल है तो उसको कैसे कवर करें भैया ये सब नहीं कवर करना है आप एनसीईआरटी पढ़ो ठीक है प्रादेशिक क्या कहना चाह रहे हो नहीं रीजनल ज्योग्राफी ज्योग्राफी भारतीय ज्योग्राफी जो है भारतीय भूगोल उसमें कवर हो जाएगी रीजन वाइज सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आप रीजन वाइज स्पेसिफिकली टॉपिक्स तैयार करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैप्स तैयार रखो मैप की एक जो बुक होती है उसमें आप रीजन वाइज जैसे मृदा हो गई तो उसको अपना मैप में शो कर लो तो जब रिवीजन करोगे तो आसानी होगी और जब मेंस का आंसर लिखोगे तो वहाँ पर बहुत लंबे बुलेट पॉइंट्स लिखने की कहाँ पर पाई जाती है ये वाली मृदा उससे अच्छा है कि इधर आपने मैप बनाया मैप पे शो कर दिया इसी तरह से जैसे इस बार चोक पॉइंट्स वाला एक क्वेश्चन आया था तो आप लंबा चौड़ा लिखोगे उससे अच्छा है कि एक वर्ड मैप बनाया और उसमें सब कुछ शो कर लिया तो ये मैप वाली अपनी तैयारी रखोगे उससे प्रादेशिक भूगोल कवर अप हो जाएगा ठीक उसके बाद सोसाइटी में आते हैं इसमें भी देखो ये एन सी आर टी है अलेवेंथ की आ, इसको बहुत ही ऊपर ऊपर एज ए रेफरेंस बुक बस पढ़ लेना है लेकिन इसमें नोट्स बनाने हैं सेगमेंट वाइज तो जब सोसाइटी के क्या क्या टॉपिक्स हैं आप सिलेबस में देखोगे तो उन टॉपिक्स को पकड़ करके अपने नोट्स बना लोगे विज़न बुकलेट और वैल्यू एडेड मटीरियल जो यहाँ से मिलता है वो सोसाइटी में हेल्पफुल रहेगा तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो उसके बाद हम लोग पॉलिटी में आते हैं लक्ष्मीकांत सर की बुक बार बार पढ़नी है अच्छे से पढ़नी है और उसको प्रीलिम्स में क्योंकि देखो कंसेप्ट आते हैं प्रीलिम्स में पॉलिटी में कंसेप्ट क्वेश्चन होते हैं तो कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे बहुत आसानी से प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है एम लक्ष्मीकांत से सब हो जाएगा लेकिन मेंस में एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ विजन की जो बुकलेट रहती है आ, मैंने ये किया था 365 सिक्सटी तीन साल के निकाले और तीन साल में जो जो टॉपिक्स थे उन सबको अच्छे से अपने नोट्स में ले लिया और उसके नोट्स कैसे बनाने अब जैसे कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो गया तो उसको यहाँ विजन में जो कुछ भी कवर किया गया है उसको लिया साथ में पी खोल ली पी में मान लो उससे रिलेटेड कोई एक आ, आर्टिकल लिखा गया है तो उन दोनों को मिला के अपने नोट्स तैयार कर लिए अब दोबारा जब भी कुछ भी इस बारे में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बारे में देखना है तो आपको जाना नहीं पड़ेगा ना तो लक्ष्मीकांत में ना सीए की बुकलेट में और ना ही पीआरएस में आपके पास एक कंसाइज दो पेज का नोट है वही आप आसानी से रिवाइज करते जाओ बार बार रिवाइज करते जाओ तो जब मेंस आंसर लिखोगे तो वो बहुत अच्छे से मेंस आंसर में वो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे आ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस तरह के कुछ दो तीन सैम्पल नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए जाएं तो वहाँ से भी आप देख सकते हो अभी तो वो स्कैन हो नहीं पाया है लेकिन किस तरह से नोट्स मेकिंग करनी है इन सबको मिला करके पॉलिटी के लिए वो आप थोड़ा समझ लेना वो एग्जाम्पल्स को देख करके क्योंकि जब आपके हैंड रिटन नोट्स आपके पास रहेंगे तो मेंस में आपको आसानी रहेगी उसके बाद गवर्नेंस को देखें तो यहाँ कोई सोर्स नहीं है विजन का एडेड मटीरियल है विजन की बुकलेट है पी आर एस इंडिया व यहाँ भी रे रेफर करनी है साथ में जैसे कोई नया मान लो बिल आया कोई अध्यादेश आया उस तरह की चीज़ें भी पी आर एस से ही देखनी है तो पी आर एस इंडिया एक अच्छी वेबसाइट है इसको आप हफ्ते में एक दो बार जैसे देख लिया महीने में आ, देख लिया तो इससे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे वो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके मेन्स आंसर्स में इसलिए इसको प्लीज़ रेफर करना साथ में गवर्नेंस में इसमें नहीं लिखा है लेकिन ए की जो हमारी रिपोर्ट है सेकेंड ए उसको अच्छे से करना है उसमें जैसे फर्स्ट है फोर्थ है सिक्सथ uh, है एर्थ है टेंथ है ये चैप्टर्स हैं मतलब ये सेगमेंट्स uh, आपको अच्छे से पूरा नहीं पढ़ना है समरी दी हुई है लास्ट में सेकेंड ए में हर चैप्टर के बाद समरी दी हुई है वहाँ से अगर पॉइंट्स आप थोड़े लिख लोगे या हाईलाइट कर लोगे और मेंस में अगर आपने उनको यूज़ कर लिया तो एक मतलब आपको एज मिलेगी नंबर एक दो मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो इसलिए कोशिश करो कि सेकेंड ए आर सी का खूब प्रयोग करो उसकी समरी को मतलब ये समझो मैंने छः से सात बार पढ़ा था बार बार हाईलाइट कर लिया था तो अपने आप आंसर्स में सेकेंड आर सी आ जाता था वे फॉरवर्ड में आ जाता था एक दो बार तो ये कोशिश कर दो सही रहेगा फिर उसके बाद आई आर आई आर में कोई सोर्स नहीं है करेंट बेस्ड पूरी तैयारी है यहाँ की आ, मेंस की जो 365 रहती है वही दो साल की तीन साल की पकड़ लो और सारे नोट्स बना डालो आई आर के जो नोट्स बनेंगे उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेगमेंट वाइज अपने नोट्स को तोड़ोगे कैसे आ, जैसे एक शीट आपने ली उस शीट में आप बहुत सारे ऐसे कॉलम्स बना लो जब किसी भी देश के साथ भारत के संबंधों की बात होती है तो वो कॉलम्स होंगे जैसे सामरिक संबंध आर्थिक संबंध व्यापारिक संबंध ऊर्जा संबंधी तो इस तरह से उन कॉलम्स में ही पॉइंट्स को लिख देना है तो मुश्किल से एक ए साइज पेपर होगा और उसमें इस तरह कॉलम वाइज आप चीज़ों को लिख लोगे आ, मैंने दो सेगमेंट्स में एक पूरे पेज को बांटा था एक परिस्थितियां हैं क्या और दूसरा Uh, अभी uh, क्या चुनौतियां हैं या चैलेंजेस हैं ये दो पॉइंट्स थे मेरे साथ में एक कॉलम मेरा वो वे फॉरवर्ड का बना हुआ था तो इस तरह का टेम्पलेट आप आई के नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हो फिर मॉरिशस हो यूएसए हो कोई भी देश हो हर देश के साथ भारत के संबंध इसी टेम्पलेट के अंदर आ जाएंगे मुश्किल से 12 से 15 पेज के नोट्स आपके बनेंगे और वही आपको रिवाइज करना होगा मीन्स में बहुत अच्छा मटीरियल हो जाएगा आपके पास अपना हैंडी मटेरियल और आईआर में भी अगर हो सके तो मैप प्रैक्टिस कर लेना जोग्राफी की तरह मैप प्रैक्टिस तो हर जगह करनी है आ, अगर हिस्ट्री में भी कोई क्वेश्चन आया है मान लो कहाँ पर कौन सा आ, मंदिर है या जैसा भी तो हिस्ट्री में भी अगर मैप आ रहा है तो लगा दो मतलब मैप तो ऐसे आपको होना चाहिए विद इन सेकेंड्स आप जहाँ भी ड्रॉ हो सकता है वहाँ ड्रॉ करो इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी Uh, अब हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं उसके लिए भी विजन की सीए बुकलेट है और साथ में सेगमेंट वाइज अपने नोट्स तैयार करने हैं अब यहाँ भी नोट्स का एक टेम्पलेट होगा जब आप जैसे किसी भी वनरेबल सेक्शन को ले रहे हो तो उसका भी एक टेम्पलेट बना लो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं चैलेंजेस क्या हैं स्थिति क्या है आ, इस तरह से एक टेम्पलेट बना करके सारे सेगमेंट्स को टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो ये सेल्फ मेड नोट्स काम आएंगे आपके मेंस में और सिर्फ जीएस एस वन में या टू में नहीं आप जहां भी निबंध में भी अगर यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सोसाइटी वाला जो टॉपिक है ना ये ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको इतना अच्छा डाटा मिल जाता है आपके नोट से जो हर जगह यूज़ होता है निबंध में भी यूज़ होता है Uh, उसके बाद इकोनॉमी के लिए मृनाल सर के नोट्स हैं सिक्स सेगमेंट सिक्स उन्होंने बनाए हुए हैं उसको पार्ट्स में बांटा है तो उसके लास्ट uh, वाला जो है एच वाला है उसको छोड़ करके बाकी पांच बार बार रिवाइज करने हैं लास्ट वाला क्योंकि सोशल जस्टिस में हो ही गया होगा नहीं हुआ है तो आप मृनाल सर से ही कवर कर लो तो वो मृनाल सर से ही इकॉनॉमी का देखा था बाकी इकोनॉमिक सर्वे की समरी विजन की आती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी जब आप बार बार पढ़ोगे तो चार्ट्स या जो भी फिगर्स उसमें दिए हुए हैं वो किसी तरह अगर आपके मेंस के आंसर्स में आ जाते हैं तो आपको एक दो मार्क्स वहाँ पर एज मिल जाएगी साथ में अलेवन ट्वेल्थ की एन है अगर मतलब मृनाल सर से उनके वीडियो अगर आपने देखे हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई बात नहीं नहीं तो ये एन देख लेना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है इतना ज़्यादा अगर नोट्स आपने अच्छे से कवर कर रखे हैं जी शन करनी है और कौन सी नहीं करनी और काफ़ी इन्फॉमेसन तो हम मतलब याद भी नहीं कर पाते तो मैं से अगर मुझे क्लास नोट्स के साथ कुछ प्रेफर करना है तो मुरनाल सर के नोट्स अगर ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे समझ नहीं आए क्योंकि क्लास नोट्स से वो लिंक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे और यही चीज़ अगर मैं स्टडी मटेरियल से करता हूँ तो इसमें इन्फॉमेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखी है तो वो चीज़ें याद नहीं हो पाती तो उसके लिए मुझे एक दिक्कत आई थी इकनॉमिक्स में स्टडी uh, मटेरियल मतलब जो प्रिंटेड मिलता है मिलते हैं हाँ, तो उसको देखो यहाँ क्या करना है कि बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है एक चीज को पकड़ो अगर आपको लग रहा है कि मृणाल सर के नोट्स हो रहे हैं तो वही करो फिर फिर बाकी चीजें छोड़ दो अगर लग रहा है क्लास नोट्स से सब कुछ कवर हो गया है तो फिर मृणाल सर का हटा दो एक चीज को बार बार रिवाइज करना है बस यही कोर है इस पूरी तैयारी का ठीक है uh, बाकी बजट स्पीच इसमें और जोड़ लेना क्योंकि बजट स्पीच सुन लेते हो ना आप तो वो हेल्पफुल हो जाता है आ, सुनने के साथ चाहो तो थोड़े नोट्स जैसे इस बार श्री अन्न की बात हुई थी तो जब मैम बोल रही हैं तो वो सुन करके पहली बार में ही सब कुछ समझ में आ जाता है याद हो जाता है तो टू एक्स पे चाहो तो वो स्पीच अच्छे से सुन लो उसके नोट्स बना लो जी मैम आपने बताया था मृणाल सर का नोट्स पढ़ना है तो वो तो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होगा जी तो? मैं तो इंग्लिश में मुझे दिक्कत है तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी हाँ ये अगर इंग्लिश में सहजता नहीं है तो फिर आपको क्लास नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं क्लास नोट्स को फॉलो करो देखो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मृाल सर का लिया हेल्प लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी लास्ट स्ट्रैटेजी नहीं है आप अपने हिसाब से इस पूरे सोर्स को बदल सकते हो तो आपको अगर लग रहा है कि वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो फिर आप क्लास नोट्स को रेफर करो साथ में सीए बुकलेट जो करेंट अफेयर्स बुकलेट होती है उसको अच्छे से रेफ़र करो उसमें सब कुछ और इकोनॉमिक सर्वे की आप समरी पढ़ो तो मेंस के आधे से ज़्यादा आंसर्स वहां से ही बन जाएंगे उस समरी में जितने चार्ट्स हैं फ्लो चार्ट्स हैं जितने भी फिगर्स हैं अगर जितना याद हो सके बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं पढ़ना है लेकिन जितना याद हो सके उसको शॉर्ट नोट्स में भी आप ले सकते हो बहुत ही आधे पेज में एक पेज में पूरे इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स ले सकते हो जो आपको याद रखना है मेंस में लिखने के लिए तो सब कुछ हिंदी में भी उपलब्ध है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृणाल सर के नोट से ही होगा और मैम जैसे इस बार का सी सेट आया हुआ था वो तो मतलब वो कॉन्सेप्ट पर आधारित वो तो समझ में नहीं आया तो उस सी सेट के लिए क्या करें वो इतना टफ सी सेट आएगा तो तो कर ही नहीं पाऊंगी बात सही तो है सी सेट के लिए कोई सी सेट रणनीति बताइए हाँ। या फिर कोई ऐसे टीचर्स हो जो उस टाइप के क्वेश्चन कराते हो एक्चुअली मेरा बेसिक भी पूरा गोल है तो उस टाइप का क्वेश्चन मतलब कैसे कवर करेंगे बेसिक्स जब नहीं है तो उसके लिए एक ही समाधान है कि आपको बेसिक्स से कहीं पर पढ़ना पड़ेगा और शीट्स जो प्रैक्टिस शीट आती हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा तो आप अधिक समय सी सेट को दो अगर हफ्ते में तीन दिन आप एक क्लास कर लो क्या विजन में सर सी uh, सेट की क्लास हो रही है तो सी सेट की प्लीज़ ज्वाइन कर लो क्योंकि कोई फिर आपको गाइडेंस के लिए चाहिए होगा जिससे आप गाइडेंस ले सको और बातों को समझ सको शुरुआत से बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से तैयारी करो और टाइम थोड़ा अधिक दो प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं है मैम तो उसमें डाटा गायब है ना और वो एनालिटिकल लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है तो आप हाँ, कर... प्रैक्टिस से आएगा आप प्रैक्टिस करो आप खुद एक महीने में देखोगे बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है और सर से यहाँ पर स्पेशली मेट जो आपके हों उनसे थोड़ा गाइडेंस स्पेशली ले लेना पर्सनली कि आपके लिए क्या ज़रूरी है ठीक है और मैम करंट अफेयर जैसे मुझे नेक्स्ट ईयर पेपर देना है तो मतलब अभी से मैंने करंट अफेयर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी से करूंगी तो हाँ जागा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा डेली न्यूज़पेपर करो एक साल का ही करंट अफेयर्स आपको कवर करना होता है क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ अलग से नहीं है ये बात भ्रांति हटा दो कि करंट अफेयर्स कुछ नया आएगा हर साल चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं कोर थीम्स और कंसेप्ट सेम है आप एक साल का कवर करोगे दो तीन साल का अपने आप आपको लगेगा कवर हो गया है बस ईमानदारी से कवर करना है लेकिन मैम न्यूज पेपर तो में है तो भी में है तो तो वो भी पढ़ने में दिक्कत होती बुकलेट लो ना जी। यहां से जो अफेयर्स की बुकलेट है उसको अच्छे से पढ़ो पीटी थ्री हाँ पीटी की नहीं अभी मंथली शुरू कर लो क्योंकि आपके पास एक साल का पूरा समय है आ, ये भी कोशिश करो कि अगर समय हो तो मंथली के साथ लास्ट ईयर की पीटी थ्री सिक्सटी फाइव देखना शुरू कर दो फिर जब पी टी आएगी ना अगले प्रिलिम से पहले तब तक आप मंथली इतना पढ़ चुके होगे कि वो वाली पी टी आसानी से समझ में आने लगेगी बाकी यूट्यूब से भी आप जैसे जो सुर्खियाँ वाला एक रहता है अपना विज़न का वो देख सकते हो यूट्यूब में हिंदी में करेंट अफेयर्स कवर हो रहा है बहुत सारी साइट्स पे हो रहा है किसी को भी फॉलो कर लो अगर अखबार अंग्रेजी का नहीं पढ़ पा रहे हो ठीक है फिर भी मैम सी सेट में किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सी सेट पे सब कुछ तीनों सेगमेंट हैं तीनों को नहीं नहीं आप मैं... मेंटोर से यहाँ पर क्लास ले करके शुरुआत से उसकी तैयारी करना ठीक थैंक यू ठीक थेक। है अब हम लोग इन्वायरमेंट देखते हैं इसके लिए मेरे साथ ये था जी दोनों को हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो फिर हमें एक... किस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि इसका इसका हम सिनोपस से बनाए या इसका छोड़ दें देखो न्यूज़पेपर जो पढ़ना है तो उसने साथ एक डायरी रखनी है ठीक है उस डायरी में तीन से चार लाइन डेली वो आपको ज़्यादा काम नहीं आएगी लेकिन ये एक मन में रहेगा कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ा उससे ये निकला उसके बाद करंट अफेयर्स की बुकलेट लेनी है उसको आपने मान लो पी टी पढ़ा उसके बाद उसमें कुछ कंसेप्ट होंगे जो आपको हो सकता है गूगल से सर्च करने पड़े जैसे इस बार जूम आइस वाला था जैसे ठीक है मैम मैं आपसे फिर हाँ। से उसी बाद में क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं

हो जाएगा आपको ये लग रहा होगा कि पीटी आने वाला है और सिनॉप्सिस बनाने बैठ गए तो क्या होगा बिल्कुल लेकिन आपने पहले अपने नोट्स तैयार करके रखे होंगे कि अब आपको मेंस 365 में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं सिनॉप्सिस बनाने को अगर 150 पेज की बुकलेट आ रही है आप 1500, दो से तीन हाँ इस बार 1500 हंड्रेड था पेज उतना चला गया था। एक बुकलेट एक सब्जेक्ट की बता रहे हैं हाँ। तो उसको पाँच छः पेज में आप आसानी से कर लोगे देखो क्रक्स और सिनॉपसिस कैसे बनाया जाता है उसको भी समझो आपको सब कुछ लेकर के दोबारा एक और बुक छापने की जरूरत नहीं है वो आप अपनी तैयारी से समझ पाओगे कि सिनॉप्सिस में आपको लिखना क्या है ठीक है और वो तब आएगा जब आप मॉक दोगे पी क्यूज देखोगे सिलेबस देखोगे और आपकी तैयारी एक स्तर पर पहुंच चुकी होगी जब साल भर आपने तैयारी की है फिर आपको पीटी टी थ्री मिली है तो अपने आप ये सब कुछ होगा चलते रहो चलते रहो अपने आप रास्ता दिखेगा दूसरा बताएगा तो नहीं एक और क्वेश्चन हाँ। है कि मैम हम अपने स्टडी को पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी कर रहे हैं हाँ। तो हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो एक होता है उसके किस रेशियो पर उसको डिवाइड करें एंड हाँ। और हमें किस रिवीजन को कितना लेवल एक फेजेस में डिवाइड करें हाँ। जैसे एक होता है कि हमें पता चल जाए कि हाँ कि आज हमारी पढ़ाई हो कम्प्लीट हो चुकी है और अब इस साल में इस साल में प्री क्लिक

आप एक काम बस ये करना कि एन क्लास ट्वेल्थ की बायो की है उसके लास्ट के चार चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लेना बाकी जो अपनी एलेवेंथ की एन सी की है उसमें भी आप देखोगे लास्ट वाले चैप्टर्स थोड़े थोड़े एनवायरनमेंट से संबंधित है तो वो अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद आपको सी बुकलेट लेनी है और उसमें जितने भी कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से समझ लेना है उन कंसेप्ट के अगर फिगर बन रहे हैं तो फिगर भी अपने नोट्स में बना लेने हैं क्योंकि इन्वामेंट कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा है जैसे कार्बन कैप्चरिंग हो गया या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है अगर हैप्पी सीडर है या फिर आ, जो हमारी राइस की बोने की तकनीक है ये सब कुछ क्या है ये सब कंसेप्ट हैं और जब आप पी वाई क्यूज़ देखोगे वहाँ से पकड़ोगे कि कौन कौन से कंसेप्ट आ रहे हैं उनको अच्छे से समझ करके एक बार समझ लोगे तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कंसेप्ट होते हैं बात दिमाग में बैठ जाती है कि ये हो क्या रहा है फिगर जहाँ भी बन सके उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लो इस तरह से इन्वायरमेंट के नोट्स बन जाएंगे और आप जो पी टी या मेन्स थ्री है इन्वायरमेंट का वो अच्छे से कवर कर ले जाओगे कंसेप्ट को मेन थीम रखो बाकी फिर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आप दो दो तीन तीन बार पढ़ो जहाँ पर कन्फ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है जैसे आई सी एन स्टेटस वगैरह हैं जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है इसका क्या था तो उसको एक पेज में बनाना चाहो तो बना लो जब आप अपनी तैयारी करोगे तो बात समझ में आ जाएगी सोर्स बता दिया आपको पी टी थ्री सिक्सटी फाइव है मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव है अब उसमें आपको क्या चीज़ निकाल करके अलग से याद करनी है क्या चीज़ लिख करके याद करनी है वो सब आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से रख सकते हो नोट्स मेकिंग इसी को कहा जाता है कई लोग अभी पूछ रहे हैं बोल रहे हैं कि अपने नोट्स शेयर कर दो आप लेकिन मेरे नोट्स ले करके आप क्या करोगे मेरे नोट्स मेरे लिए हैं आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे अपनी तैयारी में बस इतना ध्यान रखो कि अपना जो मैप है ना सिलेबस पी वाई क्यूज उसको देख करके मटेरियल देख करके अपनी परफॉर्मेंस देख करके आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं सबके नोट्स अलग अलग तरह के भी होते हैं यूट्यूब uh, से कंसेप्ट देख सकते हो जहाँ भी ना समझ में आए यूट्यूब सर्च करो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट बेस्ड है पूरा सी ए बुकलेट गूगल सर्च सब्सक्राइब नहीं मतलब अपने गूगल फीड में इन साइट्स को ले आना सब्सक्राइब तो नहीं करना कंसेप्ट में यूट्यूब अच्छे से जहाँ भी आपको लग रहा है तो यूज़ करो आ, चीज़ों को समझो और यूट्यूब देखने के बाद मेन कंसेप्ट जो निकले उसको अपने नोट्स में लिख लो ताकि बार बार उधर ना जाना पड़े जैसे पोलर वोटेक्स हो गया है जो भी नया कन्सेप्ट मिल रहा है आपको सर्च करना पड़ रहा है मेरे साथ एल नीनो बहुत बार सर्च करना पड़ा बात समझ भी नहीं आती थी तो उसको एक बार समझ करके अपने नोट्स में अच्छे से लिख लो अच्छे से फिगर्स बना लो बात ख़त्म हो जाएगी आ, फिर ये एथिक्स है एथिक्स के लिए अपने नोट्स बनाने हैं उसमें ध्यान ये रखना है कि डेफिनेशंस अच्छे से कवर हो जाएं। उसके बाद मन की बात से आप केस स्टडीज निकालो एग्जांपल्स निकालो वो आप अपने मेंस के आंसर में कैसे लिखोगे किस तरह से चीज़ों को जोड़ोगे सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके साथ एग्जाम्पल को कैसे अटैच करोगे ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा एग्ज़ाम्पल्स पढ़ डाले एग्ज़ाम्पल पढ़ने के बाद वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा इसका माइंड में एक बार प्रैक्टिस कर लिया ये रिकॉलिंग मेथड होता है कि आपने रिकॉल कर लिया कि हाँ इस वाले एग्जाम्पल के लिए ये ये वाले टॉपिक्स सुटेबल हैं ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेंस में बहुत आसानी होगी आपको तुरंत याद आता जाएगा क्योंकि समय बिल्कुल नहीं होता है एथिक्स का पेपर इस बार जिसने किया है बिल्कुल सुपर ह्यूमन वाला <laughs> उसकी राइटिंग स्पीड होगी जिसने भी पूरा किया है तो वहाँ पर चीज़ें जल्दी जल्दी याद आती रहें उसके लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है लोग ये छोड़ देते हैं लोगों के पास बीस बीस पेजेस हैं बीस बीस पेजेस में उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स छाँट करके रखे हैं लेकिन जब आंसर लिखने की बात आती है तो एक भी एग्ज़ाम्पल उन्हें याद नहीं आता है तो ये प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है एग्जाम्पल्स के लिए न्यूज़पेपर को भी फॉलो करो और कुछ करेंट अफेयर्स वेबसाइट्स हैं जब आपने मान लो कंपेशन सर्च किया गूगल पे साथ में यू लिख दिया तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स साइट्स uh, में आ जाएंगे उनको भी नोट्स में लिखते जाओ एग्जाम्पल आपको कैसे तैयार करने हैं एथिक्स की वृहद रणनीति क्या होनी है उस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसमें भी ए को जोड़ लेना ए आर सी में एक एथिक्स इन गवर्नेंस वाली एक रिपोर्ट है हाँ फोर्थ रिपोर्ट उसको ले लेना सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस वाली एक रिपोर्ट है वो सब एथिक्स में आएगा तो वहाँ भी आपको सेम करना है समरी पढ़नी है जो भी रिपोर्ट की है और उसको अपने आंसर्स में इनकलकेट करते जाना है तो ये हमारे सोर्सेज हो गए अब हम लोग मेन्स की तरफ आते हैं क्योंकि मेन्स डिसाइडिंग फैक्टर है मेन्स आपकी रैंक को डिसाइड करता है तो मेंस की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझो आपकी नोट्स मेकिंग कैसे होगी क्योंकि प्रिलिम्स के लिए कोई बहुत ज्यादा नोट्स मेकिंग करता नहीं है ज्यादा से ज्यादा कुछ बुलेट पॉइंट्स निकाल करके उनको बार बार पढ़कर समझना या याद करना होता है लेकिन मेंस में सब कुछ नोट्स मेकिंग पर आधारित है अब मेंस में हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं नोट्स मेकिंग करनी कैसे तो वो तीन चरणों में होगी पहला चरण होगा जहां आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अगर कोई नोट्स जरूरी बन रहे हैं मेंस के लिए तो वो आपको बनाने पड़ेंगे दूसरा करंट अफेयर्स मैगजीन मेंस 365, उससे आपको अपने नोट्स बनाने होंगे और तीसरा अगर कोई नया टॉपिक आ रहा है जो टेस्ट सीरीज में आ रहा है तो उसको भी अपने नोट्स में जोड़ना पड़ेगा तो ये तीन स्टेप्स की मेरी तैयारी थी आ, एक और स्ट्रेटजी भी है कि सीधे आप टेस्ट सीरीज को पकड़ो और टेस्ट सीरीज से ही अपने नोट्स बनाते चले जाओ वो स्ट्रेटजी भी अच्छी है लेकिन क्योंकि मेरे पहले से नोट्स बने हुए थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो मेन्स थ्री से टॉपिक उठा उठा के बनाए थे तो मैंने वहाँ पर थोड़ा एडअप किया टेस्ट सीरीज के जरिए अब ये नोट्स आपको तीन पार्ट्स में बनाने हैं पहला पार्ट होगा आपका इंट्रो का दूसरा बॉडी और तीसरा वे फॉरवर्ड इंट्रो में आपको हर टॉपिक के लिए तीन तीन चार चार या पाँच पाँच फैक्ट्स लेके आने हैं वो फैक्ट्स कैसे आएंगे तो पहला तो आप गूगल सर्च कर सकते हो कि इस बारे में कोई रिपोर्ट है कोई डाटा है ऑथेंटिक होना चाहिए या फिर अपना जो मेन्स थ्री है ना उसमें वो बॉक्स में आने लगा है और इस बार तो मेन्स थ्री में पीछे एक साथ भी दिए हुए थे सारे डाटा वगैरह तो आप ये कोशिश करो कि उन सारे डाटा को टॉपिक वाइज अपने नोट्स में वैल्यू एड करते जाओ तो उससे ये होगा कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा इंट्रोडक्शन में डाटा रिपोर्ट्स के अलावा डेफिनेशंस भी लगाई जा सकती हैं और एक मेरी स्ट्रेटजी थी एग्जांपल्स से शुरुआत करने की जैसे अगर पर्यावरण की कोई बात आती है किसी ने उसमें अच्छा काम किया है तो वहाँ से उनकी उनके काम से बात को शुरू किया जा सकता है तो वो इंट्रो कुछ अलग बन जाता है तो इस तरह के इनोवेटिव विंड्रोज भी आप लगा सकते हो मुझे एथिक्स में फोर ट्वेंटी मिला अरे अ, मतलब जी में ओवरऑल फोर ट्वेंटी मिला है तो मुझको लग रहा है कि ये काम किया है तो इनोवेटिव इंट्रोडक्शन आप जितना दे सकते हो दो और लोगों के इंट्रोडक्शन से आपका इंट्रोडक्शन जितना ज़्यादा अलग होगा आपकी ओवरऑल मार्किंग उतनी बढ़त में हो जाएगी बॉडी में ये कोशिश करनी है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर हो जाएं फिर आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ डेढ़ सौ शब्दों में बनाना है ये पाँच सौ शब्दों में जितने आस्पेक्ट्स सोच पा रहे हो मेंस 365 में दिए हैं किसी टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं एक टॉपिक तैयार करने बैठे हो तो वो टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए एक जगह पे तैयार हो जाना चाहिए और इसीलिए आपकी जो शीट्स होनी चाहिए नोट्स मेकिंग की वो खुली हुई होनी चाहिए कि मान लो कोई नया एस्पेक्ट बाद में जुड़ता है तो एक शीट आपको अपने नोट्स में वहाँ फाइल में लगा देनी है तो इस तरह से आपकी बॉडी तैयार होगी और फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड तैयार होगा वे फॉरवर्ड में आपको तैयारी करनी है कि आप आशावादी रहें इनोवेटिव रहें सॉल्यूशंस देने की ओर जाएं। जब वे फॉरवर्ड आप तैयार करो तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को वहाँ पर लगा सकते हो साथ में जब सोल्यूशन देने की बात आती है तो सोल्यूशंस भी कई तरह के होते हैं कुछ लीगल सोल्यूशंस होते हैं कुछ इकोनॉमिक सोल्यूशंस भी होते हैं अब जैसे कि अभी हम लोग ना एक एग्जाम्पल लेंगे मेरा एक नोट है जो ब्लू इकोनॉमी पे बनाया था उसमें एक इकोनॉमिक सोल्यूशन आ सकता है ब्लू बॉन्ड का कि ब्लू बॉन्ड जारी करके हम लोग फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं तो वो लगाओ एक पेस्टल फ्रेमवर्क है पेस्टल के अंतर्गत पॉलिटिकल हो गया इकोनॉमिक हो गया लीगल हो गया इन्वायरमेंटल हो गया साइंस टेक से रिलेटेड हो गया ये पेस्टल फ्रेमवर्क से जितना भी इनोवेटिव सोल्यूशन दे सकते हो दो क्योंकि वहाँ पर मेन आपकी चेकिंग इसी बात की हो रही है कि आप जब आओगे काम करोगे नीति क्रियान्वयन करोगे नीति निर्माण करोगे तो वहाँ आप नवाचारी कितना हो सकते हो आप नई चीज़ें कितना सोच सकते हो आप कितना अवेयर हो कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है इंटरनेशनल लेवल पर इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं तो ये सब कुछ आपको गूगल से सर्च करना है मेंस थ्री सिक्सटी फाइव से देखना है चीज़ों को पढ़ते रहना है समझते रहना है और अच्छा इनोवेटिव सोल्यूशन वे फॉरवर्ड में लेकर के आना है इसके अलावा आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल्स इंटरनेशनल प्रैक्टिस पर अच्छे प्रोग्राम्स लाते हैं तो आप समय मिले तो उनको देख लो और एक कोई अच्छी प्रैक्टिस कहीं की मिली मान लो नीदरलैंड की मिली वो कहाँ कहाँ पर अपने यहाँ यूज़ हो सकती है महिला सशक्तिकरण में यूज हो सकती है एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ कम चीज़ें पढ़ करके उनको अलग अलग जगह पर यूज़ करना है तो ये वे फॉरवर्ड हमारा तैयार हो जाएगा अब आप सोच रहे हो यही आंसर का फॉर्मेट है यही नोट्स मेकिंग का फॉर्मेट है तो बात सही है uh, मेरी स्ट्रेटी थी कि नोट्स मेकिंग को आंसर राइटिंग के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया जाए आपके नोट्स और आपके आंसर्स ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए उनमें लेकिन हाँ जब आप मेंस के मॉक दोगे तो वहाँ पर टाइम लिमिट के साथ चीज़ों को लिखने की कोशिश करो टाइम लिमिट के साथ लिखोगे तो बात समझ में आएगी कि, कि कितनी वर्ड लिमिट हो पा रही है कहाँ रुकना है कितना समय किस क्वेश्चन को देना है लघु में कितना देना है दीर्घोत्तरी में कितना देना है इसके बाद जो नोट्स मेकिंग होगी उसमें एक टॉपिक एक मतलब कंसेप्ट ध्यान रखना वो है फ्लो चार्ट्स का और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का आपने आधे पेज में किसी बात को लिखा और उसकी बजाय आपने छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना दिया तो दोनों में ज़्यादा संभावना ये है कि जो फ्लो चार्ट है वो आई कैचिंग होगा वो चेकर को सिरदर्द नहीं देगा उसको बात तुरंत समझ में आ जाएगी ये भी समझ आ जाएगा कि एस्पेरेंट अच्छे से बात को जानता है और वहां मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे तो जितना ज़्यादा हो सके अपने जब नोट्स बना रहे हो उसी समय ये बात ध्यान रखो कि जहाँ भी बात फ्लो चार्ट में लिखी जा सकती है उसको बुलेट पॉइंट में या फिर उसको लंबी लंबी लाइनों में मत लिखो कोई प्रक्रिया है जैसे इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड है उसकी पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाइनों में लिखने की बस एक फ्लो चार्ट बना देना है और फ्लो चार्ट में भी कोशिश ये करनी है फ्लो चार्ट के कुछ आ, ये साइनेस ध्यान रखो ये स्टार्टिंग के लिए हो गया उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको रेक्टेंगल में करना है उसके बाद अगर कहीं पर डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसको डायमंड में करना है ये डायमंड है क्योंकि ये जो डायमंड होता है ये जब आप इस तरह से बनाते हो तो इसमें यहाँ से यस yes और यहाँ से नो no. ये दो संभावनाएं है निकलती हैं और इसी तरह से जब अंत होना है तो उसको भी आप ऐसे इसी को स्टार्ट कर दो इसी को एंड कर दो बहुत सारी प्रक्रियाएं इन तीन साइनेज में हो जाएंगी कोई चीज़ शुरू होगी फिर उसका कुछ प्रोसेस होगा उसके बाद निर्णय निर्माण होगा यस और नो जैसे कि रिजोल्यूशन प्रोसेस आया जो हमारा रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होता है वो एक प्रोसेस को लाता है और वो प्रोसेस या तो सी एक्सेप्ट कर लेता है या फिर सी उसको मना कर देता है जो क्रेडिटर्स की कमिटी होती है हाँ कर देगा या ना कर देगा अगर ना कर दिया तो सीधे लिक्विडेशन हो जाएगा और अगर हाँ कर दिया तो आगे जो रिजोल्यूशन प्रोसेस दिया गया होगा उसको फॉलो किया जाएगा तो ये चीज़ आप लिखोगे लाइन भरोगे उससे ज़्यादा अच्छा है कि बस चार से पांच स्टेप का एक फ्लो चार्ट बना दिया और ये सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं होगा जहां भी प्रोसेस की बात होगी अब जैसे अपनी विधाई प्रक्रिया है विधाई प्रक्रिया में एक सदन में बात गई वो दूसरा सदन मान लो राज्यसभा है तो दूसरा सदन या तो बात को मानेगा हाँ या फिर ना वहां भी सेम यही आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देना है चीजों को बहुत लंबा लिखना नहीं है इस तरह के फ्लो चार्ट को आप यूज करोगे तो निश्चित रूप से मार्क्स बढ़ेंगे मीन्स मार्क, में और इसके अलावा बहुत तरह के फ्लो चार्ट होते हैं मेरे पास टेम्पलेट्स थे जैसे एक ये वाला होता है कोई भी प्रोसेस जो साइक्लिक हो उसको इस तरह से बना लो आप यूट्यूब पे सर्च करना फ्लो चार्ट के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे एक बहुत प्रसिद्ध है वो तो सभी जानते हैं यहाँ पर जो टॉपिक पूछा गया है उसको लिखा वन टू थ्री जो भी उसमें लिखना है आ, बाकी चीज़ों के आ, जैसे आ, ये कोई चीज़ है उसके तरह तरह के भाग हैं या प्रकार हैं उनको इस तरह से बना लिया तो ये उपलब्ध है आसानी से आप सर्च करना यूट्यूब पे भी मिलेगा कहीं भी मिलेगा ये नोट्स मेकिंग की बात हो गई नोट्स मेकिंग के बाद अब हम लोग एथिक्स को थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि एथिक्स इंपॉर्टेंट है अ, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक है तो मेरी एथिक्स की जो स्ट्रैटेजी थी उसको आप सब देख सकते हो सबसे पहले तो एआरसी की फोर्थ और ट्वेल्थ रिपोर्ट वो अच्छे से पढ़नी है उसमें जो भी बातें हैं सिर्फ उसकी रिकमेंडेशंस नहीं उसमें बीच बीच में कुछ अच्छे सेंटेंसेस भी हैं वो भी चाहो तो ले सकते हो जो आपके एथिक्स में काम आएंगे उसके बाद जहाँ निर्णय प्रक्रिया की बात होती है कि आप कोई निर्णय क्यों लेंगे केस स्टडी में उसमें संविधान कानून नियम उपनियम हो गए मान्यताएं हो गई इन सबको एक चरणबद्ध तरीके से रखना है तो वो एक फ्लो बना रहता है आपकी निर्णय प्रक्रिया में उसके अलावा जो निर्णय आप ले रहे हो या किसी विकल्प के साथ आप जा रहे हो तो उसका आधार तैयार करके रखो कि मैं अगर ये निर्णय लूँगा या लूँगी तो उसका क्या आधार होगा किस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा तो उसके लिए कैटेगोरियल इंपरेटिव की बात हो गई गांधी जी के बहुत सारे सिद्धांत हैं एक रविन्द्र टैगोर जी का सिद्धांत है एकला रे तो उस इन सबको ना एक पेज में तैयार करके रखो इसी तरह से बहुत सारा संदेहवाद है भौतिकवाद है चेतनावाद है तरह तरह की विचारधाराएं भी हैं तो आप अगर कहीं मान लो पर्यावरण का क्वेश्चन आया है आपने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय का एक आधार होना चाहिए और ये आधार आप तैयार करके पहले से जाओगे वहाँ पर आपको कुछ सोचना नहीं है जो पहले से आपकी ये तैयारी होगी उसी को वहाँ पर लिख देना है ये केस स्टडीज की बात हो गई आ, उसके अलावा Uh, जैसे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं थिक्स में मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स जो बढ़े हैं वो एग्ज़ाम्पल्स की वजह से बढ़े हैं तो मन की बात जैसे अभी तो एग्ज़ाम हो गए अब कुछ करना नहीं लेकिन फिर भी मैंने कल वाली मन की बात सुनी थी तो आप मन की बात को अच्छे से सुनिए उसमें केस स्टडीज़ आती हैं कहीं भी आपको लगे आपको खुद लगेगा या ये अच्छा काम हुआ है ये पॉजिटिव न्यूज़ है बस उसको अपनी डायरी में लिख लीजिए और इन सब के अलावा जो भारत में ये सब हो रहा है वो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल है तो उसको भी अपने एग्जाम्पल्स में ले आओ जैसे कि फ्रेडी हर्ष एक हैं उन्होंने नाजी कैंप्स में एजुकेशन के लिए अच्छा काम किया था तो वो एक हिम्मत वाला काम हुआ साहसिक काम हुआ सत्यनिष्ठ काम हुआ तो ये जब आप इंटरनेशनल चीज़ों को पढ़ रहे हो कहीं हिस्ट्री में पढ़ रहे हो किसी भी विषय में पढ़ रहे हो अगर लग रहा है कि ये पर्सनैलिटी है इसने अच्छा काम किया है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया होगा तुरंत अपनी डायरी में उसको नोट कर लो और ये सब डायरीज ना अपने मेज में निकाल के रखो अगर अलमारी में कहीं तीन चार तालों के अंदर बंद होगी तो ढूँढे नहीं मिलेगी आपको और एग्जाम्पल निकल जाएगा हाथ से तो ये सब कुछ अपनी डायरी जब साथ में रखोगे कहीं कुछ मिल रहा है तुरंत उसको नोट करते चलो निबंध में भी मेरा ये था कहीं कोई विचार आया उसको तुरंत नोट कर लिया तो कोशिश ही रखनी है कि चीज़ों को नोट करते चलो बातें दिमाग से फिर निकल जाती हैं तो वो बेकार हो जाता है इसी तरह से अच्छे ऑफिसर्स जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं उसकी भी एक लिस्ट बना सकते हो जैसे दांतेवाड़ा में अगर ओपी चौधरी सर ने कुछ किया है ऑपरेशन सुलेमानी है रितु माहेश्वरी मैम का स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट है ये सब कुछ एक पेज में मैंने लिख करके रखा था और खूब अच्छे से यूज़ किया इस बार क्वेश्चन ऐसे आए थे कि लोगों को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला समझने का टाइम नहीं मिला लेकिन मेरा ये एग्ज़ाम्पल वाला पार्ट इतना स्ट्रांग था कि तुरंत वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके वहाँ काले पेन से एग्जाम्पल को ज़रूर कोट किया है तो आप भी ये कोशिश करो कि मन की बात के सारे एग्जाम्पल्स जितने अच्छे लग रहे हैं उनको बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो प्रैक्टिस करो कि वो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज़ हो जाएगा और इस तरह से आपकी ये एथिक्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी बाकी मेंस में ये बात ध्यान रखो कि क्वालिटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना इसलिए किसी एक के पीछे पढ़ करके आपने बहुत समय दे दिया उसकी बजाय जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो मसल uh, मेमोरी जो आपकी नोट्स मेकिंग के समय बनेगी वो बहुत काम आएगी पहले मेरे आंसर्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था मेरी स्पीड अच्छी है लेकिन उसके बाद भी टाइम लगता था सोचने में टाइम लगता था कि लिखना क्या है लेकिन जब अपने नोट्स मेकिंग ही ऐसी हो गई जो आंसर जैसी हो तो चीज़ें अपने आप याद आती थी ये सब ग्राफ वगैरह जितने इमेज थे फिगर्स थे याद आते जाते थे तो मीन्स बहुत जल्दी लिख गया इस बार मतलब पाँच मिनट लास्ट में बच ही जाता था तो उसमें बॉक्स में सब कुछ कर दें ये सब करा जा सकता है तो ये तभी होगा जब आपके नोट्स आंसर राइटिंग के साथ अच्छे से अलाइन होंगे आ, बाकी अब इंटरव्यू की जहाँ तक बात है इंटरव्यू पर आ, ये बात ध्यान रखो कि आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी वहाँ शो करनी है आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए मॉक्स देने जाते हो लेकिन मॉक्स में बहुत सावधान रहो आपको तरह तरह की एडवाइसेस मिलेंगी बहुत अजीब एडवाइसेस भी मिलेंगी सबके अपने अपने सेटअप हैं वहाँ पर आपको हर चीज़ को ले, ले, ले लेना है ऐसा नहीं है हर एडवाइस को आप विवेकपूर्ण ढंग से अपने हिसाब से यूज़ करो फैक्चुअल नहीं होता है ये पर्सनालिटी टेस्ट है तो फैक्ट्स व्हाट वेयर ये सब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है कई लोग ऐसा भी हुआ मेरे साथ बहुत फैक्चुअल बहुत मॉक हो गए कहीं पर उन्होंने पूछा भाई कौन से सन की ये बात है ये बताओ तो ये सब नहीं कुछ पढ़ना है लोगों ने कहा भी तो उस पर ध्यान देना नहीं है वहाँ आपको सिचुएशन कठिन आ रही है आप कैसे टैकल करोगे आप करेजेस हो या नहीं आपकी पर्सनालिटी कैसी है ये सब कुछ मायने रखता है सामने बहुत ही एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं जो थोड़ी देर की बातचीत में इतना समझ लेते हैं कि आपने अभी तक अपनी पर्सनालिटी के साथ क्या कर रखा है बाकी डेफ अच्छे से तैयार करो डेफ़ uh, में मेरे साथ एक पॉजिटिव ये था कि क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत एक्स्ट्रा uh, करिकुलर में मेरे पास अच्छा मटेरियल था अच्छे सर्टिफिकेट्स थे तो वहाँ पर एक एज मिली दोनों बार इंटरव्यू में क्योंकि पिछली बार भी और इस बार भी बालश्री से खूब क्वेश्चन आए सीधे जो चेयरपर्सन मैम थी उन्होंने बालश्री से ही बातचीत शुरू की uh, जो मेरे कॉम्पटिशन के डिबेट uh, के कुछ नाम लिखे हुए थे उनसे बातचीत शुरू हुई तो अगर आपका भी बैकग्राउंड है तो डेफ में ये मत सोचो कि ये फिल नहीं करना है अच्छे से फिल करके जाओ भर के जाओ वहाँ आपको पॉजिटिव ही उसका एक मिलेगा साथ में हॉबी कई लोग छोड़ देते हैं तो हॉबी मत छोड़ो अपनी पर्सनालिटी आप वहाँ प्रेजेंट कर रहे हो कुछ तो होगा ना जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा किया होगा जिंदगी में तो दो तो लिख ही सकते हो दो लिखने की कोशिश करो आ, साथ में डेफ में जो कुछ भी लिखा है वो फिर अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि आप कर रहे हो एक चीज़ है जैसे मेरे साथ एनसीसी भी था एनएसएस भी था रेडक्रॉस भी था तो अब इतना सब कुछ है लिख दिया फिर उसके बाद उसको पढ़ा भी उसको समझा भी क्योंकि ऑन फील्ड काम करना और वहाँ पर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर आपसे क्या पूछेंगे उन दोनों में अंतर भी होता है तो जो कुछ भी डेफ में लिखा है उसको अच्छे से तैयार करके जाना है ये इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी हो गई लास्ट एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है सोशल मीडिया का यूज करना है या नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से ये निश्चय कर सकते हो कि तैयारी में आपको कितना ये हेल्पफुल रहेगा मेरे साथ तो ये था कि मेरे पास व्हाट्सएप पे ट्वेंटी प्लस ग्रुप्स थे जिसमें सौ सौ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे जब शुरुआत थी मेरी तैयारी की तो वो सब कुछ एग्जिट करके अपने व्हाट्सएप को बहुत क्लीन बना करके तब तैयारी शुरू की और मेरी ये भी तैयारी के दौरान ये रहता था कि सिर्फ लैपटॉप खोलना है मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं आ, कुछ अनुशासन आपको अपनी तरफ से लाना पड़ेगा आ, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये इको एक एक चैम्बर भी क्रिएट करता है बहुत सारे कोरोना के टाइम तो बहुत स्थिति खराब थी तो बहुत विवेक के साथ काम करो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी बताइए ऑप्शनल हिंदी साहित्य पर कुछ ही लोग हैं तो आप कुछ पूछना चाहो तो बता दो बा बाकी फेसबुक में एक पूरी स्ट्रेटेजी लिखी है बुक लिस्ट लिखी है सर क्या मैम क्या हम ये भाषा खंड का एक फर्स्ट पेपर है हाँ। क्या मैम भाषा खंड को हम अच्छे से तैयार कर ले तो पेपर फर्स्ट को मैम क्रैक किया जा सकता अच्छे से भाषा हाँ। खंड पे अगर अच्छी पकड़ हो, भाषा खंड आपको मैथ्स की तरह मार्क्स देता है तो ये कोशिश करो कि आप भाषा खंड को पूरा पढ़ करके जाओ और वहाँ पर जब क्वेश्चंस क्योंकि ऑप्शन भी होता है कि कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहोगे तो ये कोशिश करो कि भाषा खंड वाले प्रश्नों को एक प्रायोरिटी दे सकते हो कि उनको पहले करना है अच्छे से करना है बुलेट पॉइंट्स में वहाँ लिखना है सटीक लिखना है ठीक है बाकी कोई ज़्यादा है नहीं अगर कोई हिंदी लिटरेचर का है भी तो तीन महीने में नोट्स अच्छे से कवर कर लो चीज़ों को याद करना ज़रूरी है जो पद्य की पंक्तियाँ हैं उनको कोट करने के लिए वो याद होनी चाहिए मेन्स लिखते समय याद नहीं आती हैं इसलिए बार बार रिवाइज करके उनको इतनी क्षमता अपने अंदर ले आओ कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो सोचना ना पड़े पंक्तियाँ अपने आप आएँ उसके अलावा ब्लैक पेन से पंक्तियाँ लिखनी हैं कोचिंग नोट्स के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे आप चाहो तो बना सकते हो या ना बनाओ यही स्ट्रेटेजी है बाकी हिंदी साहित्य में कुछ खास निबंध की तैयारी कैसे करें निबंध की तैयारी के लिए चार पांच चीजें हैं आ, अच्छी एनेक्डोट्स जो होती हैं दंत कथाएं है। जापान की हो चीन की हो, भारत की हो हो भारत आप उनको एकत्रित करते जाइए ये वर्ष भर का है निबंध एक दिन में नहीं तैयार होता है निबंध भी कुछ कुछ पर्सनालिटी टेस्ट जैसा है मेरे पिछले बार निबंध में 148 मार्क्स थे और इस बार भी 132 मार्क्स हैं तो जब इस स्तर पर अगर निबंध आपको तैयार करना है तो एक वार्षिक सतत प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी फ्लो बना रहना चाहिए आपके निबंध में इस बात की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकी अच्छी पंक्तियां हिंदी में देखो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप अंग्रेजी के भी कोर्ट्स यूज कर सकते हो हिंदी निबंध में संस्कृत भी यूज़ कर सकते हो और हिंदी तो यूज़ कर ही सकते हो तो सुभाषित अच्छी अच्छी तैयार कर लो अंग्रेजी के किसी अच्छे विद्वान ने कोई अच्छा कथन कहा हो उसको तैयार कर लो रोमन में भी लिख सकते हो जरूरी नहीं है कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस है वो आप हिंदी में लिखो मैंने रोमन में लिखा है ये जरूर है कि फिर ब्रैकेट में उसका अर्थ समझा दो तो अच्छा रहेगा संस्कृत सुभाषित खूब प्रयोग की है आ, सिर्फ सुभाषित नहीं एक एक वर्ड भी होता है तो वो बहुत अर्थमत्ता वाला होता है संस्कृत में जैसे चरण मार्गान विजान छोटी सी चीज है उसका अर्थ बहुत अच्छा है तो उसको लिख करके थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया तो ये सब चीजें निबंध में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं हेलो जी जी, जी. मैं मतलब जैसे मेरा अभी ऑप्शनल खत्म हो गया है तो अब मुझे सेकंड रीडिंग चालू की है तो उसमें सेकंड रीडिंग में अभी से नोट्स जो आ, मतलब साठ नोट्स टाइप का बनाना है तो उसके लिए अभी सेकंड रीडिंग में जैसे पढ़ रहा हूँ तो हर लाइन में ऐसा लगता है जैसे नई चीज़ें हैं इसको भी बनाना तो क्या मैं उसको ये ये मेरे साथ भी होता था कि वही ना जब आप सौ पेज की चीज़ पढ़ो फिर जब आप अगली बार वो सौ पेज पढ़ोगे तो आपको लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं था सब कुछ गायब है इसीलिए जरूरी होता है अपने नोट्स बनाना चीज़ों को समझ करके उसको अपनी भाषा में लिख लेना सौ पेज को दस पेज में जब आप लिख लेते हो तो आप देखोगे जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ याद होगा कि हाँ क्या पढ़ा था आपके नोट्स आपकी हैंड राइटिंग में होंगे रिवीजन करोगे चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी आसानी से कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाएंगे इसलिए ही एक बुक को आप पूरा पूरा पढ़ रहे हो तीन तीन चार चार बार तो ये नहीं करना है आपको उसका नोट बना लेना है और अगली बार रिवीजन में उन्हीं क्रक्स को सेकंड रीडिंग खत्म करके अगर थर्ड कर रीडिंग में मारू हाँ हा, तो आप अपने हिसाब से अपनी पेज से देखो कि कहाँ पर आपको क्या चीज लग रही है अगर लग रहा है पहली बार में नहीं हो रहा है तो दो तीन रीडिंग के बाद उसको कर लो और इसमें मैम मतलब जैसे हिंदी साहित्य ही है तो उसमें आंसर राइटिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी स्पेशल रही है? हिंदी साहित्य में मेरी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी लिखना आता था बचपन से हाँ. <laughs> हम लोगों के स्कूल में ये रहता था कि खूब प्रैक्टिस कराई जाती थी लिखने की तो हिंदी साहित्य में लिखना नहीं पड़ा उतना ये था कि नोट्स तैयार कर लिए पॉइंट्स याद आ जाए तो मुझे पता था कि ये तो लिख ही जाना है निबंध में भी मेरे साथ यही था कि अगर मेरी तैयारी अच्छी है मेरे पास पॉइंट्स हैं तो वहाँ लिख जाना है मेरा भाषा का फ्लो बनाने में समय उतना नहीं गया चीज़ों को लिखने में बार बार समय उतना नहीं गया लेकिन आप लिख करके प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एज मिलेगी और मॉक टेस्ट जब समय के साथ आप करते हो तो वहाँ स्ट्रैटेजी भी बन जाती है कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे करना है किस विषय को कितना समय देना है व्याख्या खंड का एक बात ध्यान रखना कि उसका भी अच्छा अभ्यास करते रहना जी यस और ऑप्शनल और ऐसे को तीनों को एक साथ लेके कैसे चलें इस टाइम जी एस आप ज़्यादा फोकस में शुरुआत में रखो निबंध अपने आप होता जाएगा जब आप जी एस पे अच्छी पकड़ हो रखोगे और ऑप्शनल को ऐसा कर सकते हो कि दिन भर में अगर आपने एक जी एस का टॉपिक लिया है एक सब्जेक्ट लिया है तो उसको करने के बाद तीन चार घंटे डेली शाम को दे दो तो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा जीएस से ऑप्शनल की तरफ चार पांच नहीं दो से तीन हाँ। बस दो तीन ऑप्शन हमने दे दिया ऑप्शन हाँ। देने के बाद जब हम उसको कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूड हम के कैसे बेस्ट दें कंक्लूजन उसका कंक्लूजन के लिए बेस्ट यही है कि आपके पास आधार विचारकों के कथन तैयार होने चाहिए उनको ब्लैक से लिख करके चाहे तो बॉक्स में भी कर सकते हो तो जब विचारकों की बात से या किसी वाद से जो विचार वाद हैं उनसे जोड़ करके अपना कंक्लूजन दोगे तो अच्छा रहेगा कभी कभी केस स्टडी में ये दिक्कत आती है कि जैसे हम स्टार्ट तो कर रहे हैं तो कभी जो पते हैं तो ठीक है लेकिन कभी कभी जिसमें आर्टिकल नहीं पता है हम स्टार्ट कर से करें क्या फिट कर दे उसमें स्टार्टिंग क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग यहां भी आपको पहले से तैयार देखो केस स्टडीज में भी थीम रिपीट हो रही है कोई नई थीम आपको मिली है इधर नहीं मिल रही है जो लास्ट ईयरस में आई है सेम थीम्स पर्यावरण की अगर थीम है राष्ट्रीय सुरक्षा की थीम है आ, आ, कुछ एस सी की थीम है तो वो थीम्स के इंट्रो आपको तैयार करने हैं देखो जीएस के सभी नोट्स मेकिंग में सेम ही स्ट्रेटजी काम आएगी इंट्रो तैयार रखो वे फॉरवर्ड तैयार रखो और बॉडी में सारे सेगमेंट्स को कवर करने की कोशिश करो तो यहाँ भी आप कोई डाटा लेते हो एस सी से, से लेकर के कोई एग्जाम्पल जिसने अच्छा काम किया हो या फिर डेफिनेशन तो बहुत कम आती है केस स्टडीज के भी इंट्रोज इस तरह से आपको अपने नोट्स में तैयार करके रखने पड़े जैसे इस बार केस स्टडी आई थी उसमें पाँच छः ऑप्शन दिए हुए थे ये बड़ी बड़ी केस स्टडी थी तो अब उसमें हम जैसे एक को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो हमने उसके बेनिफिट और लॉस दो पॉइंट में डिवाइड करके हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमने मान लीजिए किसी किसी में भावनात्मक बहुत सारे मुद्दे हैं तो उसको मेन समझ ने सिंपल लिख दिया तो कॉपी बहुत नॉर्मल दिखने लगती है लगता है कि है ही नहीं है वो इसके लिए ना की होते हैं कुछ देखो इंग्लिश में की का यूज हो ना हो हिंदी में मूर्तता लाने के लिए वजन लाने के लिए की तैयार रखना जरूरी है हिंदी में जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो वो की आप एक डायरी में लिख लीजिए और उनको भी रिवाइज़ करते रहिए कैटेगोरियल एल्परेटिव हो गया इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो गया तो उनको लिख करके रिवाइज़ करते रहोगे एक डायरी आप कीवर्ड्स की भी बना सकते हो जैसे कि एक मैप्स की डायरी है एक डाटा वगैरह की डायरी है एक इसकी भी डायरी एक एग्जांपल की डायरी भी है तो ये सारी डायरीज़ आप अच्छे से तैयार करके रखो और जब मेंस देने जा रहे हो उसके दो तीन दिन पहले अगर आप इन सबको रिवाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाएगी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी वहाँ आसानी से रिकॉल हो जाएंगी तो ये सब कुछ आप एक जगह लिख करके बार बार पढ़ करके प्रैक्टिस करो कि आंसर में ये वर्ड्स कैसे लाए जाएँ मैम हिस्ट्री में ऑप्शनल और जीएस का क्या अप्रोच होना चाहिए उसका फैलाव तो बहुत ज़्यादा है तो उसको किस तरीके से प्रेसाइज करें हिस्ट्री मतलब ऑप्शनल है आपका ना हिस्ट्री तो उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है आप हिस्ट्री के अगर कोई टॉपर हो तो उनसे पूछना बाकी जीएस की GS के लिए? हाँ जीएस की अप्रोच पूरी तरह से अलग है जीएस की जनरलाइज्ड अप्रोच है वहाँ आपको ऑप्शनल वाले आंसर नहीं लिखने हैं तो ये कोशिश करो कि आप ऑप्शनल को अपने जीएस की हिस्ट्री की तैयारी से थोड़ा अलग रखो यहाँ पर जीएस में जनरलाइज्ड आंसर्स जी मैम दो क्वेश्चन थे मेरे मैम मैम एक मैं जो लैंग्वेज पेपर होता है यूजुअली मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ तो इंग्लिश का ऐसे प्रॉब्लम नहीं है हिंदी का परस्पेक्टिव में मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे निबंध हो गया पैसेजेस हो गया तो उसे हम कैसे प्रैक्टिस करें इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पढ़िए आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो अपने आप राइटिंग में आ जाता है तो वर्ष भर है अभी आपके पास अगले परीक्षा से पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए अपना कॉम्प्रीहेंशन हिंदी में बढ़ाने की कोशिश करिए तो राइटिंग अपने आप आएगी और मैम जैसे मैंने जी फाउंडेशन कोर्स ले रखा जो तो हमारी क्लासेज होती हैं तो हमारे दो क्लासेज हैं तो फिर हम सेल्फ स्टडी कैसे करें और फिर अपना क्लास में समय, समय कैसे प्रबंधन करना पड़ेगा पाँच से छः घंटे हर दिन आपको देना है देखो आ, आपको फील्ड में जाके भी यही करना है समय का मैनेजमेंट तो अभी से ये चीज सीखो कि टारगेट अगर लिया है तो उसको समय के अंदर पूरा करना है मेरे साथ भी होता था सबके साथ होता है समय कम पड़ता है समय कभी ज़्यादा नहीं मिलेगा आप देखोगे प्रीलिम्स के पहले लगेगा तीन दिन और मिल जाते बस भगवान तीन दिन दे दो तो ये ये चीज़ सबके साथ है लेकिन वहीं पर आप बेस्ट मैनेजमेंट अगर कर ले जाते हो तो चीज़ें सही रहे मैम एक और क्वेश्चन है जैसे जीएस एंड ऑप्शनल के परस्पेक्टिव में जैसे हम थ्रू आउट कोई हम डे प्लान बनाते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर चीज पढ़नी है तो हम जी और ऑप्शन के प्रपोर्शन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं मार्किंग के हिसाब से रखो

पता नहीं है सबका जी हेलो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिग कंग्रेचुलेशन टू यू ऑन योर सक्सेस मैम मेरे को ये पूछना था कि ए uh, को क्या करना लाइक वन टू स्टार्ट ए सी एनेक्डोट्स हो गई अभी बताया ना जो जो चीज़ें सुभाषित हो गई पंक्तियाँ हो गई ये यही सब है उसमें कुछ अलग से नहीं है लिखो चेक कराओ चेक कराने पर जो आपको फीडबैक मिले उसको फिर अगली बार अपने आंसर में रखिए नोट्स मेकिंग कैसे करनी है अभी तक की वो आंसर वाली रणनीति थी वही है ठीक है Quotes, हाँ, वो याद करना पड़ेगा बहुत सारे सोर्सेज हैं एक अभिव्यक्ति करके एक वेबसाइट है उसको फॉलो कीजिए कहीं आ, कविता कोश है कविता कोश से अच्छी निकाल लीजिए पंक्तियाँ सुभाषित के लिए भी बहुत सारी साइट्स हैं एक रिसंस्कृत करके साइट है वहाँ जाइए जिसका भी आपको लगे अर्थ अच्छा है तो वो वाला संस्कृत कोट ले लीजिए